आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये डरबन का भरा पूरा दिन था। गांधी काम करके लौटे थे, कस्तूर भी अपने काम में ही जुटे थे, लेकिन चेहरे पर थोड़े सख्त भावों के साथ, शायद किसी बात से नाराज थी। गांधी को इसका एहसास हो चुका था। उन्होंने वजह पूछी। पता चला कि कस्तूर रोज रोज पखाना साफ करने से आजिज आ चुकी हैं। असल में मामला कुछ ऐसा था कि उन दिनों फ्लश वाले टॉयलेट्स का कोई सीन नहीं था। लकड़ी वगैरह के पॉट होते थे। गेस्ट यदि आ जाएं तो उनकी सुविधा के लिए कवर वाले पॉट्स बेड के नीचे रख दिए जाते थे। गांधी के घर में एक नियम था, रोज सुबह पॉट्स खुद साफ करने होते थे, और अगर गेस्ट भूल भाल गया तो फिर गांधी खुद या फिर कस्तूर उन्हें साफ किया करते थे। अब हुआ ये कि गांधी के घर पर एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन लड़का कुछ दिन रहने आ गया। वो अपना चैम्बर पॉट साफ करना अक्सर भूल जाता। ऐसे में कस्तूर को ही ये काम करना पड़ता। लेकिन फिर एक दिन फाइनली कस्तूर ने ठान लिया कि वो ये काम नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। तो उस दिन गांधी घर लौटे और ये सब देखकर कस्तूर को टोका। बदले में वो गुस्से से भरी हुई पॉट उठाकर बाहर चल दी। गांधी को देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि या तो ये काम खुशी से करो या करो ही मत। इतना सुनना था कि कस्तूर ने पॉट नीचे रख दिया। ये देखकर गांधी का गुस्सा दोगुना हो गया। वो आगे बढ़े और कस्तूर की बांह पकड़कर धकेलते हुए घर से बाहर ले गए। चिल्लाकर बोले कि निकल जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और फिर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। गांधी को इतने गुस्से में कस्तूर ने कभी देखा नहीं था। वो रोने लगी, जोर से बोली, कहां जाऊं मैं? ना मेरा यहां कोई रिश्तेदार है, ना कोई घर है, मुझे कहां जाना चाहिए तुम ही बता दो। अब तक गांधी एहसास कर चुके थे कि उनसे इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। दरवाजा खोल दिया, भरे मन से माफी मांगी। कस्तूर ने उन्हें माफ कर भी दिया, लेकिन उस दिन गले लगकर दोनों ने एक एक वादा किया। गांधी ने कसम खाई कि ऐसा बर्ताव फिर कभी नहीं दोहराएंगे, और कस्तूर ने तय किया कि जैसा गांधी कहेंगे वैसा करेंगी। सच ये है कि एक रिलीजियस, ट्रेडिशनल और अमीर फैमिली से निकली कस्तूर के लिए वो तौर तरीके तुरंत अपना पाना बड़ा मुश्किल था, जिन्हें गांधी सिद्धांत कहते थे। लेकिन धीरे धीरे कस्तूर ने पाया कि अधिकतर चीजें जो गांधी ने कही वो ठीक थी। अपना मैला खुद ढोने या टॉयलेट साफ करने में कोई बुराई नहीं है। ये किसी एक जाति, बिरादरी या वर्ग के लोगों को ईश्वर से मिला काम नहीं है। मगर ऐसा नहीं कि कस्तूर अपने पति की हर बात से एग्री करती थी, या गांधी कभी कस्तूर की नहीं मानते थे। इनफैक्ट दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत भर के आश्रमों को चलाना हो, या आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी तय करना, सब में कस्तूर बहुत आगे निकल गईं। गांधी बापू हुए तो वो बा बन गईं। इसलिए नहीं कि वो बापू की पत्नी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे लीडरशिप के गुण अपना लिए। हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करते गांधी ने अंत में माना भी था कि कस्तूर उनकी टीचर थी। बावजूद इसके हम लोगों ने गांधी को फिर भी याद रखा, मगर कस्तूर बा को भुला दिया। क्यों? आज के पढ़ाकू नितिन में इसी क्यों का जवाब तलाशेंगे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के पड़पोते तुषार गांधी हमें उन पहलुओं को दिखाएंगे जिन्हें हमने अब तक देखा नहीं। तुषार आजकल मुंबई में रहते हैं, जबकि उनका पूरा परिवार अमेरिका में बसा है। वैसे अब तो गांधी के ज्यादातर वंशज विदेश में ही हैं। तुषार ने मुंबई में बैठकर मुझसे ढेरों बातें की। आपको इस बातचीत में एक ऐसा पोता दिखेगा जो अपनी पड़दादी को याद करके रो पड़ा। आसमान में उड़ते हवाई जहाजों की आवाज और चिड़ियाओं की चहचहाट के बीच ये जो बातचीत हुई है, इसे जरूर सुनिए, और एक बार उन कस्तूर को समझिए जिन्हें हमें आपने अब तक जानने समझने की जहमत नहीं की। पिछले दिनों तुषार को कस्तूरबा की एक डायरी भी हाथ लगी। अब तक मिली वो पहली और आखिरी डायरी है, उसके बारे में भी बात होगी। इस डायरी के बेस पर उन्होंने जो किताब लिखी, द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा, हार्पर कॉलिंस से आई है, इस पर भी बात करेंगे। मुंबई में रह रहे तुषार से पूछेंगे कि क्या कस्तूर अपने पति के पीछे चलने को मजबूर थी, क्या गांधी की विरासत का बोझ था उन पर, क्या महान लोगों की महानता का बोझ उनकी पत्नियों को उठाना पड़ता है, क्या कस्तूर गांधी के भीड़ भाड़ वाले जीवन में अकेलापन महसूस करती थी, क्या कस्तूर अपने पति के राजनीतिक जीवन का हिस्सा भी थी, आंदोलनों में हिस्सा लेने के बावजूद वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बनी। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps,
I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार तुषार जी, क्या हाल है? नमस्कार जी, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने कार्यक्रम में मौका दिया। आपका तो इंतजार था ही, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि मैं बात गांधी पर करूंगा आपसे, लेकिन सरप्राइजिंगली और सौभाग्य हमारा की बात हम कस्तूरबा पर करेंगे, इन पर कम बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने भी ये ठीक समझा कि अब बात ही भी बात की जाए। हाँ, और क्या है कि आपने किताब भी लिख दी है, तो उसमें उनकी डायरी भी देखने को मिली मुझे। तो डायरी में, हालांकि ये भी एक बड़ी बात है कि किसी को मालूम नहीं था कि ऐसी कोई डायरी है जो कस्तूरबा लिख गई है, और ये मिल गई फॉर्चुनेटली। आपने फिर इस पर किताब भी लिख दी, ये भी अच्छा हुआ, अब रिकॉर्ड में भी आ गया। माना सुना यही गया, और हमने भी पढ़ा गांधी लिखते थे, बहुत कुछ लिखते थे, और उनके बाद आने वाले लोगों ने भी लिखा, लेकिन जिन्होंने गांधी को गांधी बनते देखा, जिन्होंने एक सरल साधारण लड़के को जिसमें वो सारी बुराइयां थी जो किसी में भी हो सकती थी, उसे परिवर्तित होते देखा, उसे दक्षिण अफ्रीका में देखा, उसे भारत में देखा, उसे गुजरात में देखा, उसे दिल्ली में देखा, तो छोटे से देखा बड़े तक देखा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस इंसान ने गांधी के बारे में क्या समझा होगा, क्या सोचा होगा। तो मैं चाहता हूं आप जो शुरुआत करें वो इससे करें कि आप के पड़दादा थे और ये आपकी पड़दादी थी, आप अपनी पड़दादी के बारे में क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं? देखिए, बाकी लोगों की तरह हम भी जो उनके परिवार के थे, उनको भी एक दोष था कि हमने हमारी ध्यान हमेशा जो बापू का बहुत चकाचौंध कर देने वाला सूर्य रूप स्वरूप था, उसी के ऊपर हमारा ध्यान हमेशा रहा, और बा जो कि उनकी परछाई बन के रही पूरा समय, उस परछाई को हमने काफी नजरअंदाज किया था। तो ये तो मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ, ना कभी मैंने कोशिश की। सर्वप्रथम मुझे याद है जब मेरे माँ पिताजी ने बा की एक जीवनी लिखनी का ठाना और उसके लिए रिसर्च करना शुरू किया, तो कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ी थी, सामान्य बातें बा के बारे में पूछने के लिए सब। तब से जाके ये एक मुझे लगता है दिमाग में मेरे बैठ गया था कि कहीं ना कहीं जाकर कस्तूरबा के बारे में जानकारी अधिक प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि हम जानते हैं कि मोहनदास के पिता और दादा सौराष्ट्र के जो रजवाड़े थे उसमें उनमें दीवान का काम करते थे दरबार में, पर कस्तूरबा के जो पिताजी थे वो पोरबंदर के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे, और उन रियासतों में जो एक आज जिसको हम शेरिफ या मेयर कहेंगे हमारे शहरों के, वैसा एक नगर शेठ करके एक पद था जो एक नॉमिनल पद हुआ करता था, पर जो सबसे सफल व्यवसायिक होते थे, जो सबसे धनी होते थे, उनको नगर शेठ बोला जाता था, और कस्तूरबा के पिता वो थे। पर उनके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करते जाओ तो कस्तूरबा के पिता के रूप में उनका नाम मिलता है, पर ज्यादा कुछ जानकारी मिलती नहीं, जबकि उनके जमाने में उनके जहाज चलते थे, समुद्री जहाज, जो पूरे हिंदुस्तान के बंदरगाहों में व्यापार करते थे पोरबंदर से लेकर, और विदेशों में पूरा जो अरब कोस्ट था और जो ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट था उसमें दक्षिण अफ्रीका तक उनके जहाज चलते थे, और उनकी जो पीढ़ी थी, उनकी जो उनका जो दफ्तर था, वहां से बाहर जाने वाले व्यापारियों को
उस जमाने की प्रॉमिसरी नोट्स देते थे वो, जिसे हुंडी कहा जाता था, कि पोरबंदर में पैसा दे दिया, उसके बदले एक डॉक्यूमेंट मिल गया, और वो एडन और दक्षिण अफ्रीका तक के जो पोर्ट्स बंदरगाह होते थे उनमें सब में उनको ऑनर किया जाता था, उनके सामने उसमें लिखी हुई दर्ज रकम उस व्यापारी को मिलती थी, यानी उनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी। पर आज अगर देखा जाए तो उनका नामो निशान कहीं नहीं। तो ये सारा जो कुतूहल था वो इसलिए था कि कभी हमने बा की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की, बा को जानने, एक व्यक्ति के स्वरूप में जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, महात्मा की पत्नी थी और उनकी परछाई थी और उनके साथ रही, बस उतना ही सबके लिए जैसे काफी हो गया हो, इस तरह का बर्ताव था। नहीं तुषार जी, तो क्या ये पूरा सच नहीं है कि वो गांधी की अनुयायी थी, उनकी सर्वश्रेष्ठ कमांडर भी थी, उनकी अनुपस्थिति में आश्रम संभालना हो या फिर आंदोलनकारियों को, वो भी उनकी भूमिका थी, क्या ये पूरा सच नहीं है? इससे ज्यादा कुछ थी वो, आपने क्या पाया? नहीं, वो इससे ज्यादा ये थी जो बापू ने खुद ने अपने जीवन चरित्र में, आत्मकथा में ट्वीट किया है कि अनुयायी के इससे पहले वो उनकी गुरु थी। बापू ने कई चीज कस्तूरबा के पास से समझी, सीखी और अपनाई थी, और सबसे बड़ी बात जिसके कारण उन्हें आज महात्मा कहते हैं, जो अहिंसक सविनय आज्ञा भंग जो कहते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस जिसको अंग्रेजों ने अंग्रेजी में नाम दिया था, बापू ने अपनी आत्मकथा में खुद ने लिखा है कि उसका सबसे पहला उदाहरण मुझे कस्तूरबा ने हमारे संसार में दिया था, और वहीं से मैंने, मुझे वो सीख मिली कि उसका, उसकी अहमियत क्या है, वो कितना शक्तिशाली और पावरफुल है लोगों का प्रतिकार करने में, और वहीं से प्रेरणा प्राप्त करके मैंने उसे एक सामाजिक शस्त्र के रूप में अपनाया। तो इससे बड़ा बा का महत्व दर्शाना किसी और ने इसे समझा नहीं, कि ये लोगों ने ये समझा कि भाई एक अपनी पत्नी को प्यार करने वाले पति ने अपनी पत्नी को बढ़ावा दिया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये महत्व बा का हमने कभी समझा नहीं। मैंने आपकी किताब पढ़ी, इसके पहले भी मैंने कस्तूरबा के बारे में कुछ जानकारियां जुटाई थी। इनफैक्ट अगर कोई गांधी को पढ़ेगा तो उसमें वो कस्तूरबा को भी पाएगा, उनसे जुड़ी कहानी, किस्से, तजुर्बे मिलते हैं। शुरुआत का जो जीवन है उसमें लगता है कि वो गांधी से पीड़ित हैं, क्योंकि गांधी के जीवन में भी शनह शनह परिवर्तन आया है। शुरुआत में वो पैट्रियार्क भी हैं, है ना, बहुत कुछ है, बिल्कुल, जो बाद में वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कस्तूरबा में जो परिवर्तन है, ऐसा लगता है या तो वो गांधी की संगत में आया है, गांधी की देखा देखी आया, या गांधी के जबरन कुछ करने से आया। जैसे एक किस्सा है, आप बताएंगे तो बेहतर है, कि जिसमें वो मैला ढोने से मना करती हैं और गांधी उन्हें घर से बाहर निकाल, वो तो बड़ा मशहूर है। इसके अलावा बहुत बहुत बार उनके बीच में पति पत्नी में जैसे झगड़े होते थे। तो कस्तूरबा को आप क्या पाते हैं कि कस्तूरबा में जो परिवर्तन हुए, वो भी जातिवादी थी, बहुत सारी परंपराओं में बंधी हुई एक धर्मनिष्ठ महिला थी, तो कस्तूरबा के जो परिवर्तन है और गांधी में आए जो परिवर्तन है, वो एक ही प्रक्रिया से आए हैं या अलग अलग हैं? वो वाकई वो पति को देखती थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि बा में जो परिवर्तन आए वो एक तरीके से, जो हमारी संस्कृति में स्त्रियों का जो रोल होता है कि कई चीज वो आखिर में मजबूर होकर समझौता कर लेती है कि भाई अब ये यहाँ संसार करना है तो यहाँ जो चलता है, जो परंपरा यहाँ की है वो अपनानी पड़ेगी। तो वो परंपरा उनको उनके पति के द्वारा मिली, क्योंकि पति के घर में भी, उनके ससुराल में भी वो बहुत ही रूढ़िचुस्त परिवार था, गांधी परिवार था। पर वहां से वो दूर हो गई और उनका संसार दक्षिण अफ्रीका में, जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, जो उनके लिए उनका आगे का जीवन घड़ने वाले जो तबका था, उस दरमियान वो अपने पति के साथ अकेले रही थी, पति और बच्चों के साथ। और तब उन्होंने जो परिवर्तन देखे और वो समझा कि भाई इसी के साथ संसार करना है,
इसी के साथ रहना है। झगड़ दूंगी जो चीज पटे नहीं उसके लिए मैं झगड़ा करूंगी उसके साथ, क्योंकि मैंने तो इसको 13 साल का बच्चा देखा है। मेरा कोई पति परमेश्वर है नहीं, पति है परमेश्वर बनेगा एक दिन, लेकिन अभी तो नहीं है। तो लड़ूंगी झगड़ूंगी लेकिन आखिर में तो इसके साथ ही रहना है, तो समझौता कर दूंगी। तो उधर से शुरुआत होती है ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन की। और फिर समझौता आदत कब बन जाता है वो पता नहीं चलता, जैसे कि बहुत सारी स्त्रियों में होता है। अपने ससुराल में जाने के बाद थोड़ा बहुत तो कोशिश करती है कि भाई ससुराल को अपनी तरह बनाए, पर ज्यादातर जो होते हैं वो धीरे 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 समझौता करते करते वो समझौता आदत कब बन जाती है उनको खुद को पता नहीं चलता। तो ये प्रतिक्रिया भी थी, और फिर वो समझ भी आ रही थी कि पहले चाहे कितना भी ये मुझे सरदर्द दे, सताए, परेशान करने वाला लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये जो करता है वो सच हो जाता है, जरूरी हो जाता है, और उसका परिणाम मुझे भी दिखने को मिलता है। तो वो एक समझ भी आना शुरू हो गई बाद में, और वो भी एक परिवर्तन का कारण बनता गया कि भाई हाँ ठीक है, शुरुआत में उलझन हुई पर अब पता चलता है कि नहीं, ये है मेरा जो शौहर है वो जिस राह पे चल रहा है वही राह सही है। और वो खुद को, और ऐसा नहीं था कि मोहनदास आके कस्तूर को कहता था कि तुम ऐसा रहोगी, तुम ऐसा करोगी, तुमका तुम्हारी फर्ज। एक फेज था जब वो हुकुम शाह था, और जैसे आपने कहा पेट्रिया था, पर उसके बाद ने देखा कि मुझ पे जबरदस्ती करने से पहले तो ये खुद करता है, ये पहले खुद पर अप्लाई किया, खुद पे अप्लाई करता है, खुद ये सब करता है, उसके बाद मुझे बोलता है कि तुम करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा असर थी वो परिवर्तन। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को हमें स्टडी करना पड़ता है। अगर कोई एक फेज पर से हम एक अपनी पूर्वाग्रह बना लेंगे तो वो शायद ये इन दोनों के साथ ना इंसाफी हो। आप ये कह रहे हैं कि क्रमशः कस्तूरबा और गांधी सेम पेज पर आते गए, लेकिन जो बाद का जीवन है, दोनों के वैवाहिक जीवन का जो उत्तरार्ध है, कुछ असहमति तब भी रह गई थी क्या? असहमति तो रहना बहुत स्वाभाविक है, हर चीज में अगर सहमति हो तो कहीं जाकर वो गुलामी का अंदेशा देने लगते हैं। तो असहमति थी, लेकिन असहमति ऐसी चीजों पे थी जिसमें जिसका कोई खास वो नहीं माना जा सकता कि भाई बहुत बड़े डिफरेंसेस आ गए थे उन दोनों कंफर्टेबल थे उसमें, दोनों कंफर्टेबल थे, दोनों समझते थे। बा को अगर सबसे बड़ी पीड़ा रही हो उनकी पूरी जिंदगी में तो हरिलाल की जो दुखद एक पूरी कहानी थी उनके बड़े बेटे के साथ जो हुआ, और उनकी ट्रेजेडी बाकी ये थी कि वो जानती थी कि इसमें दोनों में से एक भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगहों पे सही है। नहीं, आप कह रहे हैं सबसे बड़ी शिकायत थी, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपने से विस्तार दे दें और बता दें जिन्हें नहीं पता कि वो पीड़ा थी क्या। वो पीड़ा ये थी कि हरिलाल अपने यूथ में अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थे वो ये स्वाभाविक तरह से समझता था कि मेरे पिता मेरे सपने साकार करने में मेरी मदद करेंगे। उनको हायर एजुकेशन करना था, उनको लंदन जाके पिताजी की तरह बैरिस्टर बन के आना था, और पिताजी थे कि वो तब सत्याग्रही बन गए थे और वो अपने पूरे परिवार को सत्याग्रही बनाना चाहते थे, अपने बेटों को भी सत्याग्रह में ले जाना चाहते थे। और उन्होंने ये तय कर लिया था कि मैंने तो मेरे जीवन का बहुत महत्व का पीरियड था वो वेस्ट किया, ये सारी चीजें पाने में, विदेशी शिक्षण वगैरह पाने में, मेरे बेटों को वो नहीं करने दूंगा, वो मेरे साथ इस लड़ाई में लड़ेंगे, तो उसके लिए उनको जरूरी नहीं है कि वो विलायत जाए और पढ़े। तो उन्होंने अपने बेटे को वो मौका नहीं दिया, और उसके कारण हरिलाल जो एक बहुत प्रखर सत्याग्रही दक्षिण अफ्रीका में बन गए थे, जो उनको यहाँ तक उनकी ख्याति हो गई थी कि उनको दक्षिण अफ्रीका में छोटा गांधी करके बुलाया जाता था, उनमें एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना शुरू हुआ और वो कहने लगे कि मैं तो मेरे पिताजी के लिए करता हूँ सब, लेकिन मेरा बाप मेरे लिए कुछ नहीं करता। ये एक
उनके दिमाग में बैठ गया है और प्रोग्रेसिवली हालात ऐसे बनते गए कि उनका वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया और आखिर में बाप बेटे के बीच में तनाव हुए और हरिलाल सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान वापस लौट गए। और उसके बाद भी जब उन्होंने कहा कि ठीक है अब मेरा बाप नहीं चाहता मुझे मदद नहीं करता तो मैं खुद अपनी अपना करियर बनाऊंगा, उन्होंने कई बार कोशिश की पर वो मैट्रिक की परीक्षा भी में भी उत्तीर्ण नहीं हो सके, इसलिए कभी बैरिस्टर बनना तो दूर ही रहा उनके लिए। और फिर जहां जहां उन्होंने कोशिश की वहां वहां नाकामियां होते गए और उसके साथ उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, फिर उनको दारू का व्यसन लग गया और कलकत्ते जाके अपने परिवार के साथ रह रहे थे, वहां व्यवसाय करने की नौकरियां करने की कोशिश करते थे पर व्यसन के कारण हर थोड़े महीने के बाद नौकरी छूट जाती थी और फ्रस्ट्रेशन ये भी था कि उसी वक्त पीरियड में गांधी वापस हिंदुस्तान लौट आए थे और गांधी का बेटा के नाम से ये हरिलाल भी पहचाने जाने लगे थे और कंपैरिजन होता था कि देखो बाप क्या है और ये बेटा क्या है। आपने पता नहीं आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, गांधी माय फादर? जी मैंने देखी। उसमें एक सीन है अक्षय मोहल्ले में पी के धुत आता है और गाली गलोच करता है, चिल्लाता है और कहता है कि हाँ मैं ही हूँ गांधी का बिगड़ा बेटा हूँ। तो ये जो एक लेबल होता है ना गांधी का बेटा, महात्मा का वंशज, ये काफी इसमें वजन बहुत होता है और लेगेसी बहुत भारी है। लेगेसी भारी है, वो दो तरीके से भारी है। भारी ऐसे भी है कि दूसरों के ऊपर भी उसका असर हो जाता है और उठाने वाले पर भी, अगर वो ये समझ के जीने लगे कि भाई मुझे गांधी बन के ही जीना पड़ेगा तो वो बहुत बोझ हो जाता है, बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। और अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो तो वो आपको बहुत तकलीफ देही हो सकता है, आपका पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो प्रोग्रेसिवली हरिलाल का पतन होता जाता है और उनके साथ ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी कि जो भी सब बुरा होना था वो सब हरिलाल के साथ हुआ, सब हुआ उनके साथ। हाँ, उनकी उनकी पत्नी गुलाब वो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में गुजर गई, उनका सबसे छोटा बेटा जो नवजात शिशु था वो भी उसमें मर गया, फिर उनको ये हुआ कि मैं वापस पुनर्विवाह विवाह करूंगा तो बापू ने कहा कि भाई तुझे तीन चार बच्चे हैं तो तू जाके ऐसी कोई बेवा से शादी कर जिसके भी चार बच्चे हैं और फिर तुम दोनों तुम्हारे दोनों के बच्चों को एक साथ बड़े करो, परवरिश करो। और हरिलाल को कमसिन कुंवारी लड़की से शादी करनी थी, बोले मैं क्यों बेवा से शादी करूं, तो बापू ने कहा कि फिर मैं नहीं करवाऊंगा तुम्हारी शादी। तो हर उस मौके पर हरिलाल को रिसेंटमेंट होती गई कि मेरा बाप तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं। हर जगह उन्होंने पाया हाँ। कि उनके पिता उनके विपरीत खड़े हाँ। तो घर कर गया और उसके कारण उन्होंने कहा कि ठीक है तुम महात्मा हो ना तो मैं दुरात्मा बन के दिखाता हूँ। और फिर वो उनका पतन प्रोग्रेसिवली इस हालात तक हो गया कि जब बाग गुजरी तो हरिलाल एक होमलेस डेरिलिक्ट एल्कोहलिक पावर्टी स्ट्रिकन इंसान बन गया था जो मिलते भी नहीं थे और मिलते थे तो नशे में धुत और गंदे मैले कपड़े पहने हुए सबसे गलिच बस्तियों में से ही पाए जाते थे। तो ये जो पूरा डिस्ट्रक्शन था वो उसकी विटनेस बात है। हाँ, जो इनफेक्ट हालत यहाँ तक पहुंची कि मैंने पढ़ा कि वो एक बार धर्म परिवर्तन भी उन्होंने कर लिया और गांधी को केवल एम्बेरेस करने के लिए कुछ लोगों ने वो करा लिया, हालांकि वो बाद में लौट भी आए सब कुछ हुआ। पर आप हाँ कुछ कह रहे थे वो प्लीज पूरा कीजिए क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप जहाँ जा रहे हैं। माँ के लिए बड़ा दुखद था, माँ के लिए बहुत दुखद था क्योंकि दोनों तरफ ऐसी व्यक्तियां थी जो उनके जीवन के से बहुत उनको लिए बहुत प्यारी व्यक्तियां थे, एक तरफ पति दूसरी तरफ पहला बेटा जो पहले की मौत के बाद दूसरा था टेक्निकली हाँ, जो टेक्निकली दूसरा हाँ, था लेकिन पहला जीवित बेटा था। बिल्कुल बहुत नाज से पाला हुआ लेकिन हाँ,
तुषार जी, जिस लेगेसी की आप बात कर रहे हैं और हरिलाल उसमें अगर मैं हिमाकत करूं कहने की, उसमें फेल हुए उसे निभाने में, ढोने में, पता नहीं उनके साथ ये इंसाफ हुआ ना इंसाफी की हम सब ने अपेक्षा की और तब भी लोगों ने अपेक्षा की होगी कि हरिलाल दूसरे महात्मा गांधी बने, लेकिन क्या इसी लेगेसी का बोझ कस्तूरबा पर भी था? वो बोझ तो होगा क्योंकि बा को तो वो पूरी जर्नी में साथ देना पड़ा था और बा के पास तो ऑप्शन नहीं था। हरिलाल के पास तो ऑप्शन था कि ही कुड वॉक आउट, वो रिश्ता तोड़ के जा सकते थे। बा उस जमाने में बा के पास तो कभी वो ऑप्शन नहीं था कि वो रिश्ता तोड़ के अपना अलग रास्ता कर ले। तो बा के लिए कठिन तो होगा इतने सारे परिवर्तन। मैंने लिखा है, कई बार मैं बोला भी हूँ कि शादी एक व्यक्ति से की पर संसार कई स्वरूपों के साथ करना पड़ा था और वो बहुत कठिन रहा होगा उनके लिए। वो आसान नहीं है। हम तो आजकल तो रिश्ते और शादियां टूट जाती है कि ये वो आदमी नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था या ये वो औरत नहीं है वो जिसे प्यार किया था, वो ये तो बदल गई है और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इतने मुद्दे पर भी रिश्ते टूट जाते हैं। वो जो परिवर्तन होता है ना किसी व्यक्ति में, जो बहुत स्वाभाविक है, जब आप किसी को कह रहे होते हैं कि तुम बदल गए, तो हम उस परिवर्तन को बहुत सुविधा से नजरअंदाज करते हैं जो हम में आया होता है उसी वक्त में, बिल्कुल उसमें टाइम में, लेकिन हम उसे आसानी से कह देते हैं। लेकिन महान लोगों की महानता कई बार उनकी पत्नियां भुगतती हैं। कस्तूरबा के लिए कहना सही होगा, कस्तूरबा के लिए वही था, यशोधरा के लिए भी वही था। जहां जहां महान व्यक्तियों को आप देखेंगे उनकी पत्नियों ने भुगता है और जो सबसे नजदीक की रिश्ता होता है उसी को के ऊपर असर होती है ना। और देखो दोनों का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो दोनों आखिर में तो उनके साथ ही हो गई और उनकी शिष्या बन के उनका काम आगे बढ़ाने का भी काम किया। तो वो रिसेंटमेंट भी एक समझ से है कि भाई हाँ वो व्यक्ति मैंने शायद गलत चुना होगा पर वो व्यक्ति बदला है और बेहतर ही हुआ, बुरा तो हुआ नहीं कोई हुआ। लेकिन हाँ, इस अच्छे और बुरे से दूर एक चीज तो है जो मैंने कस्तूरबा को समझने की कोशिश के दौरान पाई कि वो बहुत छोटी उम्र में थी और बहुत वैभवशाली परिवार था, और आपने भी लिखा कि कैसे वो समंदर किनारे के घर में छत पर बैठती थी, बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। छुटपन में वो एक ऐसे घर में जो अपेक्षाकृत उनके मुकाबले कमजोर भी था आर्थिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तो बहुत कमजोर, बहुत कमजोर लोग थे। और यहाँ तक कि मोहनदास करमचंद गांधी की पढ़ाई में उधार तक लेना पड़ा परिवार, बिल्कुल वैसे ही चले। लोगों को आमतौर पर लगता है कि बहुत परिवार अमीर था भाई, दीवान नहीं तब के दीवान। देखिए ये याद रखना पड़ता था कि दीवान के पास पावर होता था पर जो ईमानदार दीवान होते थे उनके पास अपनी मिलकत नहीं होती, पैसा नहीं होता था। और जनरली ये होता था कि जो ईमानदार दीवान होता था, जो बहुत डिसिप्लिन्ड दीवान होता था, उसकी उसके राजा के साथ पटती नहीं। तो आप देखें बापू के दादा उत्तम चंद और करमचंद, कई बार उनका ये हुआ कि भाई राजा से रुसवाई हो गई, घर बैठ गए, फिर राजा ने वापस बुलाया, फिर वापस थोड़ा काम किया, फिर वापस रुसवाई हो गई। तो ये सब चलता रहता था। और करमचंद पापा जब बापू की शादी के वक्त एक्सीडेंट में इंजर हुए थे, उसके बाद उनकी तबीयत सेहत बिगड़ती ही चली गई और वो काम भी नहीं कर पाते थे, वो बेड रिडन थे। तो वो राजकोट के ठाकुर थे, ठाकुर राजा, वो भी जैसे खैरात देते हो वैसे कभी ना कभी याद आ जाए तो थोड़ा पैसा भेज दिया परिवार में, तनख्वाह नहीं दिया करते थे कि भाई अब तुम दरो हर रोज तो काम नहीं करते हो ये। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं थी, नहीं थी। हाँ घर हो गया था, अपना खुद का घर था, इसलिए परिवार बेघर नहीं हुआ करमचंद बापा की मौत के बाद। पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए ये जो एक इमेज सबकी आ गई है कि भाई दीवान का बेटा था यानी अमीर घर था, अमीर नहीं था, इन्फ्लुएंशियल था। हाँ, लेकिन कस्तूरबा गरीब हो गई जरूर, क्योंकि एक अमीर परिवार से आई थी और अपेक्षाकृत निर्धन परिवार में चली गई। उसके बाद उनका जीवन देखता हूँ तो पति पढ़ने चले गए तो वियोग में है, फिर वापिस आया, फिर वकालत जमी नहीं बम्बई जाके तो फिर चला गया,
वो फिर चला गया तो फिर बुलाया, फिर वापस भेज दिया जब आए, तो इस तरह से उनका आना जाना चल रहा है और कोई घर नहीं है। बार बार घर बदल रहे हैं, अफ्रीका में भी घर बदल रहे हैं, फिर जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो लगातार एक यात्रा में है, कितने दिन मिले कितने दिन नहीं मिले, ये सब ऐसे चल रहा है। तो कस्तूरबा को मैं कई बार ऐसे पाता हूँ कि पति एक बंजारा है और पत्नी उस, और हाँ चूंकि गांधी तेज चलते थे तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि वो तेज चल रहे हैं, एक बंजारा है जो तेज चल रहा है और पत्नी उसके कदमों के जो वेग से कदम मिलाने की कोशिश में बार बार आती है, पीछे छूटती है, फिर आती है, फिर छूटती है, उनका जीवन कुछ इस तरह ही गुजरता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद तो मुझे लगता है कि माँ ने भी अपने हालातों से समझौता कर लिया था और वो समझ गई थी कि भाई दक्षिण अफ्रीका में ही इतना वियोग सहना पड़ा, अकेलापन महसूस किया, क्योंकि जोहान्सबर्ग में घर किया था और पति ने फीनिक्स में आश्रम खोल दिया था और वो आता जाता रहता था। फिर जोहान्सबर्ग से जब फीनिक्स बुलवा लिया तो वो जेलों में आता जाता रहता था, तो ये उनको शायद आदत पड़ गई थी और उन्होंने समझा था कि भाई मेरा पति तो यही करेगा पूरी जिंदगी भर, मेरे बच्चों की परवरिश और अब जो आश्रम का मेरा परिवार हो रहा है उनके उनकी भी देखभाल करना यही मेरा फर्ज है और मैं हूं इसलिए मेरा पति ये सब कर सकता है। तो जो जब दक्षिण अफ्रीका से वो वापस हिंदुस्तान लौटे तब तक माँ ने अपना रोल, अपनी आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है वो समझ लिया था और उन्होंने ये कोशिश भी छोड़ दी थी कि भाई मैं दौड़ के पति के साथ होगा। बोले पति बहुत तेज है, रफ्तार है उसकी, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका जो भी पड़ाव होगा वहां वो बेसब्री से मेरा इंतजार करता होगा, तो मैं अपनी गति से वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये एक ये एडजस्टमेंट था, मैं आसानी से बोल रहा हूँ, इतना आसान नहीं होगा उसके साथ जीना, पर मुझे लगता है कि ये सबसे सही अवलोकन है उनके रिश्ते का। अच्छा, भीड़ में घिरे पति को देखकर अकेलापन भी महसूस किया होगा, पति अंग्रेजी दा अंग्रेजी बोलने वाला, इतने विदेशी लोग आते थे, इतनी भीड़ होती थी, कभी वो बच्चों में, कभी बूढ़ों में, कभी महिलाओं में, कभी दलितों के बीच में है, और वो पत्नी के पास आता है तो कभी कभार, और वो भी जब बीमार है, जब अक्लांत है, जब खुद अकेलापन महसूस कर रहा है, तो उस औरत का अकेलापन कितना गहरा होगा। वो तो होगा। देखिए हिंदी में एक कहावत है, दिए के तले अंधेरा होता, और कस्तूरबा का ये नसीब था कि उनको पूरी जिंदगी उस दिए के तले बितानी थी, तो उन्होंने शायद ये अपने पति के साथ जो समझौते किए, पर उसके भी उससे भी बड़ा समझौता उन्होंने अपने हालात के साथ किया कि मुझे ये जीवन जीना है और मैं निकलना नहीं चाहता, मैं निकलना भी नहीं चाहती इस जीवन में से। एक वाकया बाकी जीवन में हुआ था, सेवाग्राम के वक्त का कुछ दरमियान का वो वाकया था, जहां बा वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बा बापू के पैर धो रही है, मेरी किताब में भी वो तस्वीर है, बा बापू के पैर धो रही है, बापू स्टूल पे बैठे हैं, बा जमीन पे बैठ के लोटे से बापू के पैरों को पर पानी डाल रही है। ये उनकी एक आदत थी, बापू बहुत चलते थे तो उनके पैर हमेशा बहुत दुखते थे, तो वापस जब घर आते वो तो बा हमेशा उनके पैरों पर गर्म पानी का सेक करती हूँ, गर्म पानी लोटे लोटे से गर्म पानी घुटनों से लेकर तलवों तक वो पोर करती थी और उससे बापू को बहुत राहत मिलती थी। और बा ने उनकी जिंदगी भर जब तक वो बापू के साथ थी और चलती फिरती थी कभी किसी को वो काम करने नहीं दिया कि ये एक चीज है वो मैं मेरे पति के लिए मैं ही करूंगी और कोई नहीं करेगा, तो वो प्यार से और निष्ठा से अपने पति के लिए करती थी। और आखिर में जब पति सार्वजनिक हो गए तो ये एक ही इंटीमेट कनेक्शन रहा था जहां पति पत्नी, पत्नी अपना अरमान पूरा कर सकती थी, पर जब ये तस्वीर छपी तो बापू के जो फेमिनिस्ट अनुयायी थे और जो विदेशी अनुयायी थे लेडी डिसाइपल्स, उन्होंने बहुत टीका की कि बा तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी तस्वीर खिंचवाने की,
हम सब महिलाओं को आपने नीचा कर दिखा दिया कि हम पुरुषों के कदमों के लायक है, ये सब। और बा ने बहुत सचोट उसमें जवाब दिया था कि दक्षिण अफ्रीका में जब मेरे पति ने मेरी प्रसूति करवाई अपने हाथों से, मुझे साफ किया, मेरी देखभाल की, मैं जब बीमार थी और खटिया में पड़ी थी तो मेरा मैला भी साफ करता था, मुझे भी साफ करता था, मेरी सब सेवा करता था। तब कोई तस्वीर खींचने वाला नहीं था, इसलिए आप लोगों ने वो तो देखा नहीं। तो मैं जब मेरा प्यार जताती हूँ मेरे पति के साथ, तो तुमको क्यों ऐसा लगता है कि नारियों को नीचापन आ गया उस? तो ये बात समझना बहुत जरूरी था कि बा अब अंग्रेजी में जो बोलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट थी, वो लोगों से डर नहीं जाती कि नहीं नहीं ये इतनी पढ़ी लिखी महिला है, इतनी एडवांस्ड है सब है, और ये मेरे पर तोहमत डालती है तो मैं गलत ही हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारी जगह ठीक होंगी लेकिन मुझे उपदेश पर। यही मेरा अगला प्रश्न था असल में कि गांधी की कम्युनिकेशन स्किल की बहुत तारीफ होती है। वो लंबे खत लिखते थे, जरूर लिखते थे, जवाब भी देते थे, अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी बोलते थे, गुजराती में बोलते थे। लेकिन कस्तूरबा के बारे में एक तो खुद अपना उनका परिवार ये मानता था, जो आपने कहा भी कि डायरी मिली तो किसी को भरोसा हुआ नहीं, भी डायरी उन्होंने तो नहीं लिखी होगी, वो लिखती तो थी नहीं। ये मुस्कुराती कम थी शायद थोड़ा सा, मुझे मालूम नहीं बोलती कम थी कि नहीं बोलती थी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वो शुरू से आश्रम में आने वाले रहने वाले भारी भरकम संख्या में जो लोग होते थे उनको संभालती थी, तो इंटरेक्ट भी करती होंगी जाहिर है। बाद में आंदोलनों में भी वो शामिल रहे तो उसमें भी बिना इंटरेक्शन के उनका काम चलता कैसे होगा, मुझे ये समझ नहीं आता है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि वो बातचीत करने में कैसी थी, किस भाषा का प्रयोग ज्यादा करती थी, और चूंकि कम पढ़ी लिखी थी तो क्या विदेश से आने वाले मेहमान अनुयायी वगैरह से भी उस लेवल पर इंटरेक्ट करती थी जैसा गांधी खुद कर पाते थे? देखिए, बा अपनी पूरी जिंदगी में कभी गुजराती के सिवा उन्होंने बात ही नहीं की। अच्छा, हिंदी शायद एक दो शब्द समझने लगी हो, पर ये नहीं था कि वो भाषा समझती नहीं, क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका में थी और स्पेशली जब पोलॉक परिवार बापू और बा के साथ उनके ही घर में रहने लगा, तो तीन लोग थे जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते थे और एक मेंबर थे उस परिवार की जो सिर्फ काठियावाड़ी सौराष्ट्री भाषा जान। तो कई बार बापू से झगड़ा भी हुआ था कि आप लोग तो मुझे नजरअंदाज कर देते हो, तुम तीनों घंटों तक अंग्रेजी में बहस करते रहते हो और मैं यहाँ बैठी बैठी मुझे एक अक्षर भी पता नहीं चलता और तुम्हें पढ़ी नहीं होती क्या है? जैसे फोमो बोलते हैं, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट कंप्लीट। और उसके भी बारे में झगड़े उनके हुए थे। फिर बापू ने समझा इसलिए, और सब देखिए बापू और बा के रिश्ते में एक ऑनगोइंग जो डिस्प्यूट था उन दोनों के बीच, वो बापू की जिद थी कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा बनाऊंगा और बा की जिद थी कि मैं पढ़ूंगी नहीं, मुझे पढ़ना होगा उतना पढ़ूंगी, बाकी तुम्हारी जबरदस्ती उसमें नहीं चलने। पूरी जिंदगी, बा की जिंदगी के आखिरी वक्त तक ये लड़ाई चलती रही। हमेशा जब भी वक्त मिलता तो बापू कोशिश करते कि भाई अब मैं मेरी बीवी को पढ़ाऊं। आखिरी जो जेल में थे आगा खान महल में जी, तब भी बापू ने दिन का एक घंटा ऐसा निकाल के रखा था जब वो बापू बा के साथ उनको पढ़ाते थे। और वो भी उसका भी अंत इसी तरह हुआ कि बा को नोटबुक में लिखने का, क्योंकि वो देखती थी कि सब पढ़े लिखे जो लोग हैं वो डायरियां लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं। सुशीला नैयर, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू सब थे, सब डायरीज और वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। और बापू उनको स्लेट देते थे कि भाई स्लेट पे अपने लिखने की प्रैक्टिस करो। तो वो एक ईगो इशू हो गया कि मैं अनपढ़ जाहिल हूं इसलिए मुझे तुम स्लेट पे लिखवाते हो और वो लोग तो सब नोटबुक और डायरी में लिखते हैं, तुम भी नोटबुक डायरी में लिखते हो। तो उन्होंने जिद की कि मुझे नोटबुक डायरी चाहिए। तो बापू ने ऐसे ही कह दिया कि पहले ठीक तरह से लिखना सीखो फिर नोटबुक का सोचे, तुम्हें तो अक्षर भी ठीक से निकालना नहीं आता। तो बाने का ऐसी बात है तो अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, नोटबुक स्लेट फेंक के छोड़ दिया। वो आखिरी प्रयास था जो
नाकामयाब हुआ। तो ये ऑनगोइंग डिस्प्यूट दोनों के बीच में था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इसका असर बहुत हुआ। पर फिर उसमें से ही उन्होंने मिली पोलॉक के साथ बहुत गहरी दोस्ती भी बनाई, और जिंदगी भर मिली पोलॉक गुजराती नहीं जानती थी और बा अंग्रेजी नहीं जानती थी, पर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते। वही रिश्ता भारत वापस आने के बाद मीरा बहन के साथ, मीरा बहन जब तक गुजराती पढ़ी नहीं सीखी नहीं तब तक वो बा के साथ काफी देर रही। इस डायरी के पीरियड के दरमियान भी जेल में मीरा बहन के साथ वो रह रही थी, तो और मीरा बहन उनको पढ़ा रही है, वो भी उन्होंने लिखा है इस डायरी में कि जेल में मेरी पढ़ाई लिखाई मीरा बहन कर रही है। तो बहुत यह है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू हो गया था, और मीरा बहन ने शायद गुजराती सीख ली थी समझने बा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये एक विटम्बना थी, लेकिन उससे भी बा ने जब उत्तर भारतीयों के साथ, बा अकेले चंपारण में जाके रही, जब बापू का सत्याग्रह चंपारण में चल रहा था तो बा जाके चंपारण में रही, बिहार में बेतिया गांव में उन्होंने अपना बेस बनाया जहां वो कम्युनिटी सर्विस का काम करती थी, स्कूल चलाती थी, गांव के बच्चों के लिए स्कूल चलाती थी, और बापू सत्याग्रह में बिजी थे और अचानक उनको खेड़ा में बारडोली सत्याग्रह जो हो रहा था उसके लिए वापस आना पड़ा। तो कई महीने बा अकेली वहां चंपारण में रही, चंपारण में रही, और एक गुजराती वहां के बिहारियों के साथ उनकी भाषा में और देहातियों के साथ उनकी भाषा में बात करके काम चला सकती थी। यही मैं कॉन्ट्रास्ट बार बार पकड़ रहा हूँ कि एक तो फिनिक्स में भी जब वो थी, गांधी जेल चले गए पहली बार, तो फिर और जेल से छूटकर भी उन्होंने कहा अभी नहीं आऊंगा, अभी तो मुझे इधर जोहान्सबर्ग वगैरह में काफी काम है, मैं आता हूँ, तो वो सब आश्रम वगैरह संभाल रही है और उसमें तरह तरह के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत शुरुआत है, मतलब तब तो सार्वजनिक जीवन की बस शुरुआत भर है, बहुत वृहद है। फिर आप चंपारण का विषय उठा रहे हैं कि वहां पर भी वो थी, ठेठ बिहार के साथ यूपी बिहार के लोग उधर बहुत थे, तो वो कम्युनिकेशन ही में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांधी की पत्नी के पास इतनी कुशलता थी क्या कि वो आंदोलन भी कर रही थी, वो आश्रम भी चला ले रही है। देखिए चंपारण का ही मिसाल आपको दूं, दो बार वहां के जो ब्रिटिश नील के व्यापारी थे, तो जो मुलाजिम थे उनके मैनेजर्स वगैरह, वो बहुत नाराज थे गांधी के साथ क्योंकि उनका तो पूरा धंधा चौपट कर दिया था गांधी के सत्याग्रह, और कस्तूरबा उनके गुस्से का फोकस बनी थी। दो बार बेतिया में बापू कस्तूरबा का जो आश्रम चल रहा था उसमें जो उनका उनकी एक झोपड़ी थी जिसमें वो गांव के ग्रामोद्योग से बनी जो चीजें थी, महिलाओं का उत्पाद था, वो बेचती भी थी, उसी झोपड़ी में वो बच्चों को पढ़ाती भी थी, उनका स्कूल भी चलता था और वो रहती भी उसी में। दो कमरे थे, वो दोनों कमरे का ऐसा इटले, वो झोपड़ी अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने दो बार पूरी तोड़ दी और जला दी। कस्तूरबा वहां से डर के मारे भागी नहीं, बापू नहीं थे तब, वो भागी नहीं, उन्होंने वो झोपड़ी वापस बनवाई और अपना काम उसी तरह से चलता रखा। बोले आपको जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं करूं। ये अगर इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी ना होती या कल्टीवेट ना की हो कि भाई अब तो मुझे भी ये रोल निभाना है मेरे पति के साथ, तो चलो मैं भी सीख लूं मेरे अंदर भी, लेकिन उसके लिए अंदर एक आत्मशक्ति होना बहुत जरूरी है। तो ये कस्तूरबा में थी और ये हमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं। मैं कहता हूं ना कि वो सूर्य के इतने करीब थे थी पूरी जिंदगी कि हमने कभी सूर्य के जो कभी तेजोवलय था उसमें और चीजों को खोजना और देखना एक्नॉलेज करना सोचा ही। हाँ, मतलब हमने उन महिला नेताओं को पहचाना जरूर। हाँ। चाहे वो सरोजनी नायडू के रूप में हूँ, है ना, चाहे और भी कई महिला नेता उस वक्त उभरी जिन्हें गांधी ने सहारा दिया और हम उन्हें पहचाने, लेकिन कस्तूरबा को हमने महिला नेता नहीं माना। नहीं, ये मेरी चिंता है कि हमने उन्हें केवल गांधी की पत्नी के रूप में देखा और अभी भी पढ़ते आए हैं। जो भी उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं उनके सत्याग्रहों के बारे में, उनके उन्होंने जो काम किया समाज के अंदर, तो गांधी के पत्नी के रूप में ही हम देखते हैं। एक इंडिविजुअल औरत, क्योंकि देखिए हमने नेहरू की पत्नी के साथ भी वही हुआ, अम्बेडकर की पत्नी के साथ भी वही हुआ है,
वो तो उसके बाद माई के स्वरूप में अब दलित उनको पूछते हैं करते हैं, लेकिन हमने हर कोई वो वैसा जो महान व्यक्ति था पढ़ रहा था, दुर्गा भाभी का इतना जिक्र आता है क्रांतिकारियों में, लेकिन उनको भी हमने या तो जब तक उनके पति जीवित रहे भगवती चरण जो क्रांतिकारियों में सबसे बड़ी उम्र के थे और वो लीडर थे, या तो हम उनकी पत्नी के रूप में पाते हैं, या फिर भगत सिंह को जिसने सांडर्स वध के बाद लाहौर से भगाने में मदद की, बस वो दुर्गा भाभी, जबकि उनका अपना इतना लंबा चौड़ा जीवन है, उन्होंने बाद में बंबई जाके अंग्रेज अधिकारी था वायसराय और वो सब गोली मारने की कोशिश की, बम धमाकू बम बांध के अपने शरीर पे वो इधर से उधर लाती थी, बाद में तो कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही, लेकिन वो कुछ नहीं, दुर्गा भाभी भाभी ही रह गई। बिल्कुल, वो भाभी की जो आइडेंटिटी थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसमें भी बापू की पत्नी के स्वरूप में जो भी उन्होंने किया, कस्तूरबा ने जो भी किया, हमने कहा हाँ ठीक है ना, गांधी की पत्नी थी, वो बेचारी कर भी क्या सकती, हमने कभी ये नहीं सोचा कि गांधी की पत्नी तो रसोई संभाल के घर में बैठ सकती और कह दे सकती थी कि भाई मेरी रसोई है, ऐसे बहुत एग्जांपल, इसके बाहर मैं नहीं निकलूंगी, पर जब जब जरूरत पड़ी तो वो दूसरी गांधी बनकर खड़ी हुई। बिल्कुल, दूसरी गांधी कहना भी गलत होगा, बल्कि उनका अपना एक व्यक्तित्व था, आपने जो खुद कहा कि या तो वो बॉर्न लीडरशिप थी या उन्होंने अगर कल्टीवेट भी की हो, वो बार बार दिखती है गांधी की अनुपस्थिति में भी, वो ये नहीं कहती कि अच्छा मैं पूछ के बताऊंगी, वो फैसला करती है। गांधी ने खुद ने एडमिट किया है, गांधी का बकरी के दूध का सेवन बहुत पॉपुलर है, सब जगह पे कहा जाता है बकरी का दूध पीता है, बकरी का दूध पीता है, वो बकरी का दूध पीने की बात किसने समझाई बापू को? बापू ने खुद ने एडमिट किया, कस्तूरबा ना कहती तो मुझे तो कभी ये सोच भी नहीं आती, मुझे ख्याल भी नहीं आता कि बकरी का दूध मैं पी सकता, क्योंकि उन्होंने गाय भैंस का दूध पीने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था कि दूध के उत्पादक गाय और बछड़ों के साथ कितना अमानुषी व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो चीज ऐसे शोषण से की उत्पन्न होती हो मैं नहीं लूंगा, और उनकी तबीयत बिगड़ गई, लाइफ एंड डेथ का प्रश्न हो गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें अपनी सेहत बेहतर करनी होगी, हमको ऑपरेशन करना है तुम पे, पर इस सेहत में नहीं हो सकता, और तब तो हर चीज का इलाज ये था कि डेयरी पियो खाओ, तो बापू ने कहा नहीं मैं डेयरी तो नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तब बा उनको कहती है कि तुम गाय भैंस का दूध पीने से तुमने वो किया है, माना किया है और प्रतिज्ञा की है, बकरी का तो दूध पी सकते हो, और इस तरह से बकरी का दूध पियो कि बकरी के बच्चे को उसका जो उतना जो उसे चाहे मिल जाए, उसके बाद जो रहे वो तुम लेना, और अब बापू को क्या दो गिलास दिन में चाहिए, तो ऐसा तो नहीं था कि बछड़े को मारकर पूरा दूध हड़प कर लेना पड़े क्योंकि बेचना है, तो बापू ने कहा कि ठीक है मैं ये कर सकता हूं, आप पीने के लिए तो पर्याप्त था। तो ये जो एक रीजनिंग एबिलिटी थी बाकी, वो एक पॉलिटिशियन ना होती तो ना आ सकती कि भाई विपरीत परिस्थितियों में एक मध्य मार्ग निकाल दे, आज सबसे सफल पॉलिटिशियन यही करते हैं ना कि मध्यम मार्ग निकाल लेते हैं विपरीत परिस्थितियों में। हाँ, नेता तो बचे नहीं अब वो, हाँ, वो मध्यम मार्ग निकालते हैं। हाँ, तो ये भी तो उसी तरीके से था कि भाई तुम्हारा व्रत भी नहीं टूटेगा, हाँ, और जो करना है वो भी करवा लेंगे, और बापू ने जिंदगी भर कहा कि मैंने मेरी जान बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया प्रिंसिपल के साथ, पर वो उन्होंने समझा कि नहीं मेरी पत्नी ने जो मुझे बताया है उसमें बहुत विजडम है, तो वो कोई ऐसी रस्ता निकला, तो ये रस्ता लॉजिक भी है विजडम भी। ठीक, इस प्रसंग से एक दो सवाल निकलते हैं, और जब मैंने हमारे पढ़ाकू पार्टी नाम का ग्रुप बनाया हुआ है, पढ़ाकू पॉडकास्ट के सुनने वाले उसमें हैं, उन्हें बताया कि जब आपको दावत दी है बातचीत की तो कुछ लोगों ने सवाल भेजे, तो आदित्य वर्धन सिंह का एक सवाल है जो यहाँ बहुत मौजूद है, उन्होंने पूछा है कि क्या गांधी जी कस्तूरबा से राजनीतिक सलाह लिया करते थे? आप सलाह लिया करते थे या नहीं वो पता नहीं है, लेकिन उनकी बातचीत हमेशा होती थी, क्योंकि अगर आप डायरी पढ़ेंगे तो उसमें जब जब बा ने पॉलिटिकल बातों के बारे में लिखा है तो उन्होंने हमेशा लिखा है कि ये मेरा सबसे ये मुझे बहुत पसंदीदा काम था, ये लोग जब बात करते थे तो बैठ के सुनना,
और बापू भी जानते थे कि मेरी पत्नी भले खामोश बैठी हो लेकिन सुनती सब चीज है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा बा से मशवरा किया होगा कि भाई मुझे लगता है कि उसने ये बात कही इस तरीके से कही, तुम्हारा क्या मानना है। और ये याद रखा जाए कि बापू को भले लगता हो कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको ये एतबार था कि मेरी पत्नी बहुत समझदार है, वो चीजों को बहुत अच्छी तरह से भाप सकती है, जान सकती है, पहचान सकती है। तो ये जरूर होता था कि एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते। बा ने इस डायरी में एक जगह पे लिखा है, जब सत्याग्रह कुछ स्थगित सा हो गया है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, बा ने लिखा है कि मुझे बहुत चिंता होती है सत्याग्रह के बारे में, सत्याग्रह की जो परिस्थिति अभी है उसके बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ। और फिर दूसरे पन्ने पे लिखती है कि मुझे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते रहते, विचार आते रहते हैं कि क्या करूं सत्याग्रह के लिए, ये करूं वो करूं, पर मैं कर नहीं पा रही हूं, इसका मुझे बहुत खेद है। और ये डायरी 1933 के आसपास की, 1933 की ये डायरी है, जो एक फ्लक्स का पीरियड था। नमक सत्याग्रह हो गया था, क्विट इंडिया होना बाकी था और सारे लोग जेलों में थे, अभी अंग्रेजों की जेलों में सड़ रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, तो पता नहीं चल रहा था क्या था। कांग्रेस में भी उलझन थी कि यार अब आगे बढ़े क्या करें। हाँ, एक अनर्णय की स्थिति है, अनर्णय की स्थिति है। और उसमें ये महिला सोच रही है कि अगर अभी सब छूट जाएगा तो मेरे पति के करे किराए के ऊपर पानी फिर जाएगा, और अभी अंजाम दूर है, अभी लड़ना है। वो अकेली थी, वो जानती थी कि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, अभी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वो चिंगारी को हवा देने का काम कैसे मैं करूं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल समझ होना बहुत जरूरी। हाँ, और वो इतने करीब गांधी की रही और उनको चिंतन में भी देखती थी और बाकी नेताओं के साथ उनके चिंतन को भी वो सुनती थी, वो गांधी ने भी कभी मर्ज को सुनती थी, लेकिन खुद कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में ना आने का क्या कारण रहा? मुझे लगता है कि वो ये जो नेचुरल ट्रेडिशनल रिश्ता है पति पत्नी का कि दो कदम पीछे चलना है, तो वो शी वाज सैटिस्फाइड। देखिए, बा का एक याद रखना चाहिए कि चाहे कितने भी फ्रस्ट्रेशन उनको क्यों ना आए हो, लेकिन जिंदगी के एंड में वो एक सैटिस्फाइड इंडिविजुअल के स्वरूप में थी कि भाई मेरे साथ जो भी होना था हुआ, मैंने सहा भी, मुझे उसका फायदा भी मिला, पर मैंने मेरे पति की कीर्ति को देखा है, महसूस किया है और उसके साथ रह के उसका भाग भी लिया है। तो ये बात हमने याद रखना चाहिए कि वो कभी भी ये नहीं, उनको उनके अंदर वो नहीं था कि मैं मेरे पति के आगे निकल जाऊं। हाँ, मैं जहां हूं मैं ठीक हूं, मेरा खुद का जो है, जिनको पता चलेगा। मनमोहन सिंह के फेमस डायलॉग मुझे याद आते हैं जो उन्होंने कहा था कि आई होप हिस्ट्री विल ट्रीट मी काइंडली। तो आई थिंक बा ने वो आत्मसात कर दिया था कि अगर इतिहास में मेरा कोई वजूद रहेगा तो शायद कभी मेरा महत्व समझेंगे लोग और पहचानेंगे, मुझे उतना काफी है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये प्रश्न हमारे एक लिसनर अंकित सोनी, उन्होंने पूछा था और मेरे मन में भी आया अभी। अच्छा, डायरी का जिक्र बार बार हो रहा है और आपने किताब भी लिखी, द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा। अब तो खैर वो सब उनको बा बुलाते हैं, आपकी नहीं है, अब जैसे बापू सबके हो गए। मेरा बदनसीब ये है कि मेरे पूर्वज कभी मेरे नहीं रहे, सबने उसमें जब जी चाहा तब शेयर कर लिया। खुशनसीबी भी हो सकती है, खुशनसीबी भी है कि भाई इतने महान व्यक्तियों का वंशज हूं मैं, लेकिन कई बार ये होता है कि गाली भी देते हो और जब चाहे तब अपना भी लेते हो। डायरी पे मैं आऊंगा, मुझे यहाँ बहुत कुछ पूछना है आपसे। जरूर। अच्छा, इस अब आपके बारे में थोड़ी सी बात, फिर बाप आ जाते हैं। बिल्कुल। उस लिगेसी का बोझ आपको कैसा लगता है? मैंने आपको पाया कई बार, जैसे आपका मैं एक इंटरव्यू वगैरह कुछ देख रहा था, वो 96-99 का दौर है, सोनिया गांधी राजनीति में आई, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मुंबई में चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। और आप उसके पहले भी कुछ मतलब बयानबाजी तो करती थे, आपने एक बड़ा मुकदमा भी लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है केरल या उड़ीसा की बात है ये, कि उड़ीसा की बात है, बापू के अस्थियों का एक कलश वहां पड़ा था। बिल्कुल, वो आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, आपको मिला और फिर आपने उसको विसर्जित किया। हाँ,
अब मुझे पता नहीं उस केस के बारे में, एक्चुअली मुझे आपके बारे में पढ़ते हुए पता चला कि ऐसा भी हुआ। मुझे ये पता चला है कि अभी भी कुछ एक हिस्से भारत के कुछ एक जगह पर हैं शायद, पता नहीं। हाँ, है, है। हाँ। कई जगहों पे लोगों ने रखे हैं, कई प्राइवेट फैमिलीज के पास भी थोड़े थोड़े गुजरात में इनफैक्ट है। हाँ, एक जगह गुजरात में भी शायद है, अमरीका में भी है, लॉस एंजलिस में जो महर्षि योगानंद का आश्रम है जी, जी। उसके उन्होंने वहां पर उनके अनुयायियों ने एक जिसे श्राइन कहते हैं वैसा बनाया है पैसिफिक ओशन के को ओवरलुक करता हुआ, और उसमें लिखा है कि इसमें गांधी के अस्थियों का एक कलश सुरक्षित रखा गया। मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया उनके अस्थियां साथ सुरक्षित हैं कुछ हाँ अस्थियां सुरक्षित है। मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया और अपील की कि भाई ऐसे रखना ठीक नहीं है, आप चाहे तो वो कलश रख लीजिए लेकिन अस्थियां का विसर्जन हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अब उनकी जो अनुयायी है उनकी आस्था उनके गुरु से ज्यादा है, और कहे ये हमारे गुरु ने रखी थी और हमारे लिए वो गांधी की नहीं हमारे गुरु की एक याद वो रख गए तो रख गए और अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और बहुत विपरीत तरीके से उन्होंने वो श्राइन सोने से मढ़ा हुआ है, और मैंने सुना है कि वो कलश भी सोने का है। अब ये तो हर बड़े व्यक्ति के जीवन की विडंबना है। बिल्कुल, बुद्ध की प्रतिमाएं बनेंगी और गालिब जो यूं ही चले गए उनके नाम पर बड़ी बड़ी जो है संस्थाएं चलेंगी, तो वो सब तो है। आपके बारे में मैं पूछ रहा था कि मैं जब आपके बारे में बात कर रहा था अपने कुछ साथियों से, तो उनमें से एक ने कहा कि पूछेगा अगर मौका मिले कि तुषार कुछ भ्रमित हैं क्या दिशा के बारे में अपने जीवन में कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि हम उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर देखते हैं कई बार लेकिन वो जगह बदलते हैं। नहीं, जगह नहीं बदलता हूँ, जहां मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ वो जगह रिक्त कर देता हूँ। मैं हर किसी के पास जाता हूँ, जो बुलाता है उसके पास जाता हूँ, और जब ये एहसास होता है कि भाई नहीं ये मेरे मैं या तो मैं इस जगह के लायक नहीं हूं या ये जगह मेरे लायक नहीं है तो मैं वो छोड़ देता हूँ। इसलिए लोगों को दिखता है कि मैं कहीं दिखता हूँ, और क्या है कि हर किसी का आजकल एक ये हो गया कि लाइफ में एम्बिशन होनी चाहिए और वो एम्बिशन के लिए हम पूरी जिंदगी काम करते रहे। मेरी लाइफ में मैंने एम्बिशंस को का महत्व था, ऐसा नहीं था कि महत्व नहीं था, पर फिर वो गौण होता चला गया। मैंने भी कहा कि नहीं, जहां जब जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज है मेरी पहचान, और लोगों को भी उसका ही एसोसिएशन चाहिए होता है, तो मैंने कहा कि भाई जहां मुझे ठीक लगे वहां वो एसोसिएशन में बहाल करूंगा, जहां नहीं लगे वहां से हट जाऊं। तो ये किया है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये आज यहाँ दिखता है कल वहां दिखता है, लेकिन पॉलिटिकली मैंने कभी वो नहीं बदला है। सिर्फ एक बार समाजवादी में से कांग्रेस में गया और फिर वो भी छोड़ दिया और अपने घर ही अपनी मेरा पॉलिटिक्स अगर कहा जाए तो वो एक गांधीयन पॉलिटिक्स, अगर गांधीयन पॉलिटिक्स कुछ है तो वो मैं कह सकता हूँ। इसलिए लोगों को लगना स्वाभाविक है कि भाई ये कहीं स्थिर दिखते नहीं है, और दूसरी एक इमेज होती है कि ये तो कांग्रेस में ही होना चाहिए और दिखता नहीं है कांग्रेस में, तो ये अजम्पशन है कि कांग्रेस का जो परिवार है उसने इसको साइडलाइन कर दिया होगा तो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। पर ना मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और ना मैं साइडलाइन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जहां मैं हूँ और उसी दौरे के अंदर मैं रहकर अपना जीवन जीता। लोग कहते हैं कि बेवकूफ है, मौकों का फायदा उठा नहीं पाया, उठाया नहीं, पर मेरा एक ईगो है, मैं अपने आप को बेच नहीं सकता। हाँ, पैसा कमा सकता हूं लेकिन बेच नहीं सकता। आपके अलावा राजमोहन गांधी भी थे, हैं, और उनसे बात करूंगा मैं, और किताब लिखी उन्होंने, वो भी मेरा ख्याल है एक बार संसद तो पहुंचे थे। हाँ, राज्यसभा में, राज्यसभा का एक बार वीपी सिंह के टाइम। हाँ, वीपी सिंह के समय। तो अभी जैसे हम लोग, अब आप ही गांधी की मतलब ऐसे विरासत देखा जाए पारिवारिक तो आप लोगों के पास है, बहुत बड़ा तो कुनबा है, बहुत सारे लोग विदेश में, आप तो फिर भी, बिल्कुल, वैचारिक विरासत बहुत लोगों के पास है,
मैं ये जानने में कई बार इंटरेस्टेड रहता हूँ, और सबसे तो मुलाकात हो नहीं सकती, आप ही कुछ लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं, क्या गांधी से जिस तरह देश का एक बड़ा हिस्सा खुद को अलग कर चुका है उनके विचार से, क्या परिवार में भी ऐसा कुछ, मैं नाम लेने को नहीं कहूंगा कभी भी, लेकिन क्या परिवार में आपने कभी ये पाया कि उस विचार से दूरी आई है? बहुत सारे हाँ है। देखिए, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि विचार पारंपरिक नहीं होता, सच वो जेनेटिक्स में नहीं होता, वो इंडिविजुअल के ऊपर आधारित है। इसलिए हम भी, हमारे परिवार में लोग हैं जो राइट विंग के साथ है, जो हिंदुत्ववादियों के साथ है, जो मेरे जैसे कुछ है दीवाने जो कहीं पर नहीं है, एक बंदर से दूसरा बंदर में उड़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो सीमा क्रॉस नहीं। और ये इसलिए नहीं है कि मैं गांधी का वंशज, मेरी फितरत नहीं है, मैं हिंदुत्व को या कट्टर मुसलमान या कट्टर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं एक, उस मामले में मैं एक ह्यूमनिस्ट हूँ और इंसान को धर्म से ज्यादा महत्व देता हूँ, तो मैं उस प्रवाह में बहता हूँ। तो और मैंने एक्सेप्ट किया है, मेरे कई कजिन्स हैं जो जिनको आज भक्त कहा जाता है, वो भक्त है पर आखिर में मेरे कजिन्स हैं, रिश्ता है, परिवार है। तो गाली गलौच करेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे भी, और आखिर में तो रिश्ता तो निभाएंगे। ये तो रहेगा। ये आप सभी गांधियों के साथ नाइंसाफी भी है वैसे, कि लोग ये सोचते हैं कि ये तो गांधी की राह पर ही चले। अब वो भाई हो सकता है मुझे अच्छे लगे, आपको अच्छे लगे, लेकिन हर कोई गांधी ही बनेगा या गांधी की ही राह पर चलेगा या वो कांग्रेस ही ज्वाइन कर लेगा या गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी में ही जाना चाहिए, ये बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। मगर आप जैसे जो लोग हैं अभी उस परिवार का हिस्सा भी हैं और गांधी के विचारों को भी मानते हैं, आप लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, हमसे जो हो सकता है वो करते हैं। मैंने ये समझ लिया है कि भाई मेरे पास अगर कोई एक शक्ति है तो गांधी मेरी शक्ति, और वो वांशिक नहीं, वो जो मैंने सीखा है, मैंने समझा है, बापू को जो समझा है उसमें से है। और अब मैं उस मकाम तक पहुंच गया हूं कि मैं बहुत कंफर्टेबली बापू का क्रिटिक भी कर सकता हूं। जहां गलती है मेरी डायरी में मैंने लिखा, मेरे दादा को मुसलमान, उनकी मैत्री थी एक मुसलमान लड़की के साथ, और उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, उनको प्यार हो गया और बापू ने मना कर दिया, तो मैंने उसको कहा है कि वो बापू की सबसे हिमालयन, बापू हमेशा हिमालयन ब्लंडर कहते थे, तो मैंने कहा कि वो, और मुझे कई बार पूछा जाता है कि भाई बापू की कोई चीज से आपको मुखालफत है, आप विरोध करते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये जो उन्होंने किया उसे मैं हमेशा गलत ही कहूंगा। वो हमने समझना चाहिए। मैंने अपने जीवन का एक मकसद बनाया कि मोहनदास को महात्मा की हिरासत में से मुक्त करवाऊं, क्योंकि हम उनको महात्मा बना के एक ऊंचे पेडेस्टल पर जाके रख देते हैं और फिर अपने आप को ये कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तो तुच्छ पामर जीव हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है मोहनदास के साथ। तो इसलिए मैं हमेशा बापू को मोहन या बापू बुलाता हूँ, महात्मा नहीं बुलाता। लोग मुझे, मेरी टीका करते हैं कि तुम महात्मा क्यों नहीं बोलते हो, तुम में उनके लिए आदर नहीं है। मैंने बोला नहीं, महात्मा के लिए नहीं, बापू के लिए प्यार है, मोहब्बत है, आदर है सब, लेकिन महात्मा कहूंगा तो मैं अपने आप को ये एक बहाना दे दूंगा कि भाई वो महात्मा थे इसलिए सब कर सकता हूं, मैं तो हो नहीं सकता, मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे हो आप। बिल्कुल, ये सुविधा से खुद को दूर कर लेने की कोशिश है कि हम तो नहीं चल पाएंगे जी, वो थे महात्मा, वो थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी तो पिछले 2 सालों से तो घर में ही हूँ, वरना कई जगहों पे कार्यक्रमों में जाना आना रहता था, देश विदेश में भी बुलाते थे। अब पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो उस दौरान लिखना एक मेन एक्टिविटी मेरी बन गई, और फिर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो अब वो प्लेन में बैठ के देश विदेश नहीं जाना पड़ता। आज सुबह ही ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट हो रहा था, उसमें शामिल होना जूम के मुताबिक मेरे लिए पॉसिबल हो गया। आज अब नोएडा, सुबह पर्थ में बात कर रहा था, अब नोएडा में बात कर रहा हूँ।
तो टेक्नोलॉजी ने ये भी एक सहूलियत कर दी है, तो घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में बातें कर सकते हैं हम, पर पसंद नहीं है ये। पसंद तो वही है कि लोगों के बीच जाके बात करे, उनको महसूस करे, तो जल्द से जल्द वो वापस दौर में चले जाए, ऐसी प्रार्थना करता रहता हूँ। आपने कोरोना में अपने आप पर तो बहुत मेहनत की, और चूंकि ऑडियो सुन रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो जिन तुषार गांधी की तस्वीर मेरे दिमाग में थी जो ओवरवेट हो गए थे, अब आप क्या गजब की शेप में हैं, वो तो आपने मेहनत की, इसके लिए तो शुभकामनाएं। और दूसरी शुभकामनाएं इस किताब के लिए कि आप बहुत शुक्रिया हुई हुई डायरी सामने लाए। ये मिली कैसे, कहाँ चली गई थी, और ऐसी और भी है क्या? देखिए, मेरी तो प्रार्थना है कि ऐसी और डायरियां मिले। इस डायरी की कहानी ये है कि मैं महाराष्ट्र जलगांव में एक संस्था है गांधी रिसर्च फाउंडेशन करके, और उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्काइव क्रिएट किया जहां साइंटिफिकली दस्तावेजों किताबों को प्रिजर्व किया जाता है, उनको डिजिटाइज किया जाता है और उनको सुरक्षित रखा भी जाता है। तो उसका जो स्टाफ है वो कई गांधी ऑर्गेनाइजेशंस में जा जाकर ऐसा ढूंढते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रहते हैं, बुक्स ढूंढते रहते हैं। अच्छा। कि जिनको रिस्टोर करना, प्रिजर्व करना जरूरी है, उनको जलगांव लाकर वो लोग प्रिजर्व करते हैं। तो इंदौर का जो कस्तूरबा ट्रस्ट है उस उनके पास बहुत सारी चीजें थी, सबको पता था कि इनके पास तो खजाना होगा ही। तो गांधी रिसर्च फाउंडेशन की टीम एक वहां गई और परमिशन लेके उन्होंने पुरानी अलमारियां और बक्से और सब टटोलना शुरू किया, जिनके ऊपर कई इंच धूल जमा हो गई थी। तो उनमें देखते देखते उनको कई चीजें मिली, एक बक्से में उन्हें ये डायरी मिली। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो बेकार है, पड़ी है ऐसे, कोई हमने तो कई सालों से देखा भी नहीं है। पर जब उसे जलगांव लाया गया और गुजराती जानने वाले किसी ने उसको पढ़ना शुरू किया, तब ये एहसास हुआ कि नहीं नहीं ये तो कस्तूरबा ने लिखा है, ये तो कस्तूरबा की डायरी है। 92-93 साल हो गए इस डायरी को। तो फिर और मैं उस संस्था के साथ जुड़ा हूँ, मैं उस उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ, तो मेरा जाना आना कई बार होता रहता है। तो मेरे ध्यान में आया कि भाई कथित रूप में बाकी डायरी मिली है। मैंने कहा क्या मजाक है यार, बाकी डायरी कहाँ से मिल सकती है? क्योंकि उसके पहले जब उड़ीसा का जो आपने किस्सा बताया, तब उसके बारे में भी जानकारी बहुत सालों से थी कि बापू के अस्थियों का एक कलश उड़ीसा की एक बैंक में पड़ा हुआ है। और मैं हमेशा हंसता था कि ये एक नई दंत कथा शुरू हो गई है, जैसे सुभाष बाबू को लोग देखते रहते हैं हर थोड़े सालों में, मौनी बाबा कहीं, गुमनामी बाबा और वो सब चीजें जो सुनते रहते हैं, वैसे अब ये गांधी की दंत कथा हो गई। मैंने बोला बैंक में अस्थि कलश कैसे हो सकता? हाँ, ये सुन के भी अजीब लग रहा है। फिर मैं एक बार पूना गया था और वहां मैंने देखा कि जो दो समाधियां थी वहां, महादेव भाई की और बा की, हाँ। उनके बगल में एक और समाधि बनाई गई है और उसके ऊपर लिखा गया है कि इसमें बापू की अस्थियों का कलश जहांगीर पटेल नाम के एक व्यक्ति ने रखा है, जिनको हम जानते थे, मेरे पिताजी के बहुत करीबी, मेरे दादा के बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए पिताजी उनको अपने पिता समान समझते थे और बचपन में हमारा उनके साथ आना जाना बहुत होता था। तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मैंने कहा कि अगर उनके पास अस्थि कलश है और उन्होंने यहाँ लाके रखा है तो मुमकिन है कि उड़ीसा में भी हो सकता है। तो मैंने गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और सबके साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। तो ये जो, और उसके बाद जो नतीजा हुआ, मैंने वो अस्थि विसर्जन किया, तो मैंने कहा कि नहीं अगर ये बात है तो मुझे जानकारी मिलनी चाहिए कस्तूरबा के बारे में। तो मैं जब मेरी अगली विजिट पर जलगांव में था तो मैंने कहा कि भाई वो डायरी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो हमने रिस्टोर करके, प्रिजर्व करके वापस कस्तूरबा ट्रस्ट को दे दी। तो मैंने कहा कि अब मुझे पढ़नी हो तो कहाँ मिलेगी? तो बोले हमने डिजिटाइज करके रखी है, हम तुम्हें उसके पेजेस दिखाते हैं। तो मुझे आज भी वो वाकया याद है, जिस दिन मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने वो इमेज खोली, पहली इमेज जब खोली तो मुझे जैसे एक
कॉन्टैक्ट हुआ हो ऐसे लगने लगा, भावुक हो गया बहुत। अब भी भावुक हैं आप सोचकर, क्योंकि हाँ, उस डायरी का हर एक पेज जो था हाँ, वो बाकी एक टकोर थी कि तुमने भी मुझे बुला दिया, तुम तो मेरे वंशज हो। ये आपकी आंखों में जो आंसू हैं, मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि वाकई ये देख के आपको लगा होगा मैंने गांधी बापू को इतना पढ़ा, इनको इनको और इनको बागा को बुला दिया। बिल्कुल, और मैंने एक सिटिंग में वो पूरी डायरी पढ़ी और आंसू बह रहे थे, पूरे समय में आंसू बह रहे थे, क्योंकि बा की शिकायत लग रही थी मुझे कि तुमने भी ये किया मुझे, मेरे साथ आज तक भुला दिया मुझे। तो तभी मैंने ठाना कि, पहले तो इतना ही ठाना था कि मैं सिर्फ इसको ट्रांसक्राइब करके रख दूंगा, गुजराती में बा ने लिखा है वही गुजराती ट्रांसक्राइब कर दूंगा ताकि लोग पढ़ सके। फिर मैंने सोचा कि गुजराती में ही क्यों, बा और लोगों को भी जानना चाहिए बा को, जिस तरह से मैंने बा का आविष्कार किया, और ये मेरे लिए बा का आविष्कार था, बा की हैंडराइटिंग मैं पहली बार देखा और ऐसे लग रहा था बा फ्लक्चुएटिंग है, कहीं कहीं बहुत सुंदर है, कहीं कहीं पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन महात्मा गांधी की राइटिंग में तो एक कंसिस्टेंसी को खराब ही होगी। हाँ, वो बापू की हमेशा खराब होती थी, बा की फ्लक्चुएटिंग, उनकी सुंदर भी है। हाँ, तो मैंने फिर तय किया कि मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको लार्जर ऑडियंस ने सुन। कई बार वो अनुवाद करते वक्त मुझे लगता था कि भाई इसमें कुछ है तो नहीं, बा हमेशा वही दो तीन लाइनें लिखती है कि मैं इतने बजे उठी, फिर गुल्ला किया, फिर भजन किया, फिर सो गई, फिर नाश्ता किया, वही का वही लिखती है। पर मैंने कहा कि नहीं, बा ने अपनी जीवनी का जो लिखा है उस पर से उनका उनकी छवि उभर के आई। लोगों को अनुमान करने दीजिए, हाँ कई लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई क्यों लिखा, ऐसी किताब छापने की क्या जरूरत थी, पर आज तक जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने मेरी सराहना की है, कहा है कि बा का स्वरूप आपने पहली बार हमारे सामने उजागर किया। क्योंकि इसका महत्व यह है कि बा के शब्दों में बा का चरित्र हमें पढ़ने को मिल रहा है, कितना भी शायद सीमित क्यों ना हो। और यह भी जानकारी है कि इससे विस्तृत बा अपने शब्दों में तो कभी बोलने वाली नहीं। तो जिस दिन ये खत्म हुआ, ये कार्य खत्म हुआ, तब, और मेरी किताब में भी मेरी आखिरी लाइन ये है कि मेरी प्रार्थना है कि और भी डायरियां मिलती रहे और मुझे उनका अनुवाद करने का मौका मिलता रहे, क्योंकि बा के साथ हुए अन्याय को, और आज भी वो अन्याय आज भी जारी है। आज भी कई लोगों ने मुझे लिख के कहा है कि बा लिख नहीं सकती थी, अगर ऐसी कोई डायरी है तो वो मनु ने लिखा होगा, बा ने सिर्फ बोला होगा और मनु ने लिखा। पर ये मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति ने बा ने बताया हुआ अगर लिखा होता तो बा की गलतियां सुधारने की उन्होंने हमेशा, वो क्योंकि उनसे वो लिखा ही नहीं जाता, जिस तरह से डिस्कनेक्टेड वर्ड्स बा ने लिखे हैं, जिस तरह से बहुत ही सीमित वाक्य रचना, बहुत रॉ बाकी है, बहुत रॉ भाषा है, वो खुरदुरा है, कहीं एक एक शब्द में पूरा विवरण खत्म कर दिया है, मिस्टेक्स भी की है, गलतियां भी की है, अंग्रेजी शब्दों या हिंदी शब्द जो थे उनको उन्होंने जिस तरह से परसीव किया वैसे ही लिखा है। हॉस्पिटल को कभी इस्पिताल लिखा है, कभी इस्तीपाल लिखा है, फिर सुपरिंटेंडेंट को कभी सुप्रीम लिखा है, कभी सुपरिंटेंड लिखा है, कभी सुपरिंटेंडेंट लिखा है, तो सही भी लिखा है और गलत भी लिखा है, और ये जो अनट्रेन्ड व्यक्ति होता है वही लिख सकता है इस तरह से। और इसलिए मैं कन्विंस्ड हूं कि शायद एक दो एंट्रीज किसी और ने लिखी होगी, पर मेजॉरिटी डायरी बा ने खुद ने लिखी। और दूसरा इसका कारण ये भी है कि ये पति वियोग में लिखा गया है। इस दरमियान वो अपने पति से दूर है और वो चाहती है
कि अपने पति को अपनी दैनंदिनी का वो बताए कि मैंने क्या किया। और इसीलिए डायरी की शुरुआत में उन्होंने जैसे पत्र में लिखता है, मेरे साष्टांग दंडवत, वो एड्रेस किसी बहुत आदरणीय व्यक्ति को ही करती है और पर्सनल व्यक्ति को है, तो उन्होंने ये लिखा है। और फिर शायद उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं पति को दिखाऊंगी नहीं पर मैं लिखूंगी, इसलिए बापू के हाथों शायद ये डायरी कभी पढ़ी नहीं। कैसी कैसी चीज है जो हमारी नजरों से बच गई या हमने उनसे नजरें फेर ली, पता नहीं कहाँ पड़ी हैं, और कभी मिल जाए तो मिल जाए। मतलब अब ये मैं मानने को राजी नहीं हूँ कि सिर्फ सन 33 के कुछ महीने उन्होंने लिखा होगा और उसके पहले या बाद में ना लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मूल डायरी देखी अब तक? मैंने वो मूल डायरी नहीं देखी क्योंकि मैं, वो डायरी चली गई थी कस्तूरबा ट्रस्ट। कभी इंदौर जाऊंगा तो सद्भाग्य रहा तो जरूर वो देखूंगा और उसको महसूस करूंगा, क्योंकि उसको पढ़ने में मैंने बाप को महसूस किया है, तो उनके अक्षरों को छूने से तो और ज्यादा महसूस कर पाऊंगा। जब आप छुएंगे और जब आप उस अपनी आंखों से देखेंगे, उसके पन्ने छुएंगे, एक तो उसका यूं ही ऐतिहासिक मूल्य हो गया, 92-93 साल पुरानी है, कम लोगों ने देखी है। बिल्कुल। और आपका तो रिश्ता कुछ अलग ही है। तुषार जी, आता है कई बार रोना याद करके बापू को, बा का तो आपने नाम लिया, बापू को भी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए तो बहुत मशीनी हो गया। आप कभी याद करते हैं, कभी कुछ हालात ऐसे आते हैं जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं सोचकर? कई बार, कुछ भी कई बार आते, कई बार आते हैं, कई बार बापू को जो जिस प्रकार से हमने एक विटंबना बना के रख दिया वो सोचते हुए आंसू आते हैं, लेकिन बापू का सोचते हुए दुख के आंसू नहीं आते, गुस्से के आंसू आते। एक गुस्सा आता है और एक फ्रस्ट्रेशन होता है दिलों में कि मुझे क्यों ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्या मैं उनका वंशज हूं इसलिए मेरी ये मजबूरी हो जाती है कि मुझे ये बर्दाश्त करना पड़े। और वो सोचकर गुस्सा आता है तो कई बार भावुक हो जाता हूँ, कई बार मैं रोया। क्या बर्दाश्त करना पड़ता है आपको बताइए? हम सब चाहते हैं कि गांधी, गांधी के अंश क्या बर्दाश्त कर रहे हैं इस देश में। गांधी की प्रतिमा को गोली मारना आप बर्दाश्त कर सकते थे? फोटो उनकी, फोटो उनके बारे में झूठ का प्रचार इतनी धीटता से करो, ऑफिशियली अब तो ऑफिशियल हो गया बापू के बारे में झूठ फैलाना, अब तो ऑफिशियल हो गया, ये सारी चीजों को क्यों मुझे बर्दाश्त करना? आप तो मान्य नहीं है तो लौटा दो, परिवार को लौटा दो, हम तो हमारे लिए तो हमेशा वो प्रिय रहेंगे। एक तरफ से नाटक करना कि लंदन की प्रतिमा को हार चढ़ाने चले जाना, नमस्कार करना, और दूसरी तरह लोकसभा में उसके साथ बैठना जिसने गांधी को देशद्रोही कहा, ये दोगलापन क्यों? और अगर है तो छोड़ दो ना, एक लोकसभा में तो आपकी अब पूरी मेजोरिटी है, ठराव पारित कर दो कि वो कोई राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता नहीं है, उसके उसे हटा दो यहां से। हम तो परिवार, तो फिर हमें, हम उसे उनको संभाल के रखेंगे ना, तो क्यों ये सारी ये करके क्यों हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जाता? वही नेहरू परिवार के साथ भी वही हो रहा है, प्रधानमंत्रियों के प्रदर्शन में हमने उनकी एक विंग बना के रखी है, वो बड़प्पन दिखाने जाना और फिर हर अक्सर पर हर अवसर पर नेहरू की बुराइयां करते रहना, क्यों वो परिवार सहता है? लौटा दो ना, आपको जो मंजूर नहीं है लौटा दो, पर उनको निजी कर दो और आपको तो समर्थन भी मिल जाएगा उसको। तो बापू के लिए जब आंसू निकलते हैं तो वो गुस्से के आंसू होते हैं, और बा के लिए जो आंसू निकलते हैं वो पश्चाताप के लिए। वो जो चादर है जिस पर गांधी के खून के धब्बे हैं, मैंने भी देखी है, वो गोली भी देखी, वो आपने देखी ही होगी। मैंने तो वो बंदूक हाथ में उठाई, वो बेरेटा। हाँ, बेरेटा। मतलब फर्स्ट हैंड आपसे मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि हाँ मैं सच कहता हूँ और मान लेता हूँ कि जब मैंने देखा था तो मैं किसी के साथ भी था और मैंने देखा, और मैं बहुत भाव विवल था, मुझे वो खून देख के बहुत दुख हुआ कि वो खून पहुंचता रहा आदमी जिंदगी भर,
बुढ़ापे में भी नोआ खा लिया का धक्के खाता रहा, तब क्या भाव आता? बहुत विपरीत भाव है, तब सीना गर्व से फूल जाता, क्योंकि देवदास गांधी ने जब बापू की हत्या हुई और उनका पार्थिव बिरला हाउस में रखा गया तो प्रथा अनुसार उनकी गले तक सफेद चादर से ढक दिया गया था उस उनके पार्थिव को। देवदास गांधी ने आकर वो चादर हटाई और बापू की गोली खाई हुआ सीना खुला छोड़ दिया। आज आप वो वहां उस वक्त की अगर तस्वीरें देखेंगे तो दिखेगा कि उनका सीना खुला है। और देवदास गांधी, हाँ देवदास गांधी ने ये कहा कि अहिंसा के सिपाही के सबसे बड़े तमखे हैं बहादुरी के ये गोली के निशान, इससे दुनिया को प्रेरणा मिलेगी। तो जब बापू के खून से सने कपड़े में देखता हूं तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है कि इस आदमी ने इस मुल्क के लिए सिर्फ शब्द नहीं खून भी बहाया, और वो खून, उस खून ने हमें संभाल के रखा 6 दशकों तक, और अब वापस हम उसी पागलपन के शिकार होते जा रहे हैं जो उन्होंने आखिरी 10 सालों में अपने जिंदगी में सहा। बदनसीबी यह है कि अब गांधी बचाने नहीं आने वाले। आपके कुनबे के बहुत सारे लोग विदेश में हैं। हाँ। आपके ना जाने का कोई विशेष कारण? पागलपन, मुझे सब लोग पागल बोलते हैं, क्योंकि मुझे ग्रीन कार्ड के लिए कॉल भी आया था और मैं शायद एक वैसा एक ही पागल था जिसने खत लिख के ये कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं जहां हूं वहीं खुश हूं। तो मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माँ जब तक जी जिंदा थी वो लोग सब अमेरिका में रहते, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। आपका तो पूरा परिवार 84 के आसपास चला गया था। हाँ, है ना। तो मैं तो मेरी बहन तो शादी करके उससे पहले चली गई थी, पापा पिताजी भी 86-87 में गए यहाँ से और मैं नहीं गया। वो लोग हमेशा कहते रहे कि तू आज और वहां क्या कौन सी बड़ी बात कर रहा है। मैंने कहा जो भी कर रहा हूँ मैं अपने देश में कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो दीवानगी आज तक तो ऐसी ही है, जाता रहता हूँ विदेश विदेश जाता हूँ, अमरीका में बहुत मजा आता है लेकिन स्थाई नहीं है, स्थाई तो यहीं पर होगा। हाँ, मुझे पाकिस्तान जाने के नौते बहुत दिए जाते हैं, कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ, जाऊंगा जरूर जाऊंगा लेकिन उनके कारण नहीं जाऊंगा। मन तो मेरा भी है उसके कारण भी वही है जो आपके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गांधी हूँ, भगत सिंह हूँ, उनके बहुत निशान है, इस देश की बहुत यादें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और पाकिस्तान खुद उनसे पीछा नहीं छुटा सकता। नहीं, वो भी बिल्कुल नहीं छुटा सकता, नहीं छुटा सकता। वो कितनी भी अपनी अपने इतिहास को जिन्हा केंद्रित कर दे नहीं हो सकता। उस इतिहास में लाला लाजपत राय से लेके सबका खून है, वो कभी अनकार नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती आपका, कुछ का आप छोड़ना वो हाँ वो हम कितना भी इरेजर चलाएं उसके ऊपर वो मिटती नहीं, नहीं मिटती। क्योंकि पॉडकास्ट का अंत है इसलिए 3-4 सवाल मुझे पूछने हैं और बाकी बारे में कुछ सवाल मेरे पास अभी बचे हुए हैं, जरूर पूछे। और मैं नहीं चाहता कि बा के नाम पर शुरू है पॉडकास्ट फिर से महात्मा गांधी के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहने वाला था कि बा पे वापस आए, हम वापस आ रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में, बापू के बारे में कभी बात करेंगे। हाँ। आप तो बहुत बार कर चुके होंगे लेकिन आपसे मैं पहली बार जरूर करूंगा, जरूर अच्छे से करूंगा जरूर। लेकिन कस्तूरबा मेरे लिए उसी तरह रहस्यमयी बनी रही है और अक्सर मैं कहता हूँ कि बहुत, जैसे एक तो जुमला है चल पड़ा कि भाई एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ और पता नहीं सही गलत तो पता नहीं कि कई बार जो आदमी है यदि वो नायक की स्थिति में है वो जो सोचता है, वो जो करता है, वो जिस प्रक्रिया से गुजरता है उससे सबसे करीब से वो महिला देख रही होती है जिसे आमतौर पर समाज देख नहीं रहा क्योंकि वो स्पॉटलाइट के बाहर है। लेकिन बहुत बार मैंने अपनी जिंदगी में पाया, क्योंकि अब तो पेशा ऐसा है कि कई मशहूर और कामयाब लोगों से मिलना होता है, मैंने पाया कि उनसे कहीं ज्यादा ब्राइट
वो महिलाएं हैं, उनका काम बोलना नहीं है, दिखना नहीं है, लेकिन वो उनसे ज्यादा ब्राइट है। मुझे बताइए, जहां आश्रम रहे इतने सारे और इतने सारे लोग, और गांधी तो मौजूद रहते नहीं थे, यदा कदा आते थे, बात झगड़े निपटाती होंगी, सब करती थी वो। देखिए, परिवार का जो ऊपरी होता था, जो नायक होता था, वही तो सब चीज संभाल लेते थे। और बा को, बा ने भारत आने के पहले ही दक्षिण अफ्रीका में ही ये समझ लिया था कि ये जो मेरा परिवार है वो आश्रम अब मेरा परिवार है। मेरे बेटे तो है, बच्चे तो है, लेकिन आश्रम मेरा परिवार हो गया है। तो जरूर जरूर निपटाती, उलझने निपटाती थी। अब एक यही बात, ये किस्सा मैंने लिखा है उसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जाने के लिए जब बापू निकले तो उन्होंने प्रस्ताव तो रखा था बा को कि चलो मेरे साथ तुम। बा ने कहा नहीं, मुझे आश्रम में काम है। लंदन नहीं गई थी वो, बंबई की गोदी में उन्होंने बापू को रवाना किया और फौरन चली गई साबरमती आश्रम। अच्छा, अब हुआ ये कि बापू ने देखा, जब शिप निकल पड़ी तो बापू ने देखा कि साथ आए सारे लोग 10-10, 15-15 बक्से भर भर के सामान लेके आए थे अपने साथ, जो उनके साथ राउंड टेबल के लिए जा रहे थे, और भी बाकी कांग्रेस के नेता वगैरह जो आजादी के नेता थे। तो बापू ने बहुत डांटा, कहा कि ये क्या बात है, हम सादगी की बात करते हैं, हम कम से कम उपयोग करके जिंदगी जताने की बात करते हैं, मैं खुद एक छोटा सा बक्सा लेके आया हूँ उसमें पूरी ट्रिप करने वाला हूँ, तुम लोगों को इतना सारा सामान क्यों चाहिए। अब बापू के सामने तो कोई बोल नहीं सकता था। तो एडन से बापू ने उनके सारा जो सामान था वो शिप में से उतरवा दिया, और एडन का जो फर्स्ट पोर्ट था मुंबई के बाद का, तो वहां से वापस लौटती शिप में उन्होंने भेज दिया और कहा साबरमती आश्रम में भेज दे। और बा को चिट्ठी लिखी थी कि ये सारे जो सामान है वो लोगों की जरूरत से ज्यादा है, इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं है, दुरुपयोग ना हो, इसलिए तुम गरीबों में ये सब बांटो। अच्छा, बापू को ये भरोसा था कि कस्तूर मेरे ना होते हुए भी उसमें से कोई चीज अपने लिए नहीं रखेगी, वो जो मैं कहता हूँ वो कर देगी। ये जो एहसास था वो बा का, जो बापू के हयाती में वहां रहते वक्त बा का जो वहां बर्ताव था और उनका जो स्थान था आश्रम में, उसको बहुत खूबसूरती से दिखाता है। जबकि यही बा हैं दक्षिण अफ्रीका में, लड़ी है बापू के साथ, जब ये लोग लौट रहे हैं भारत और इनके सम्मान में कुछ तोहफे आते हैं तो गांधी कहते हैं भाई नहीं चाहिए, ट्रस्ट बना दो, गरीबों में दे दो। लेकिन बा एकदम अड़ जाती, कहती है ये जेवर मैं दूंगी नहीं, ये सम्मान में मिले, मुझे मिले, मैंने जो सेवा की है मैं क्यों दूं। बिल्कुल, आखिर में वो दे देती, आखिर में दे देती। वहां से समझौता शुरू होता है और उनको पता चलता है कि मेरा पति किस धागे का बना हुआ, किस मिट्टी का बना हुआ, और वो अपना जीवन उसके मुताबिक। उसके बाद एक किस्सा होता है साबरमती आश्रम में, जब वो जी रहे थे, डायरी में नामूद है वो, कि साबरमती आश्रम में एक रात चोर घुसा है और चोरी करने की कोशिश की गई। तो बापू ने दूसरे दिन ये कहा कि भाई हम कहीं गलत कुछ तरीके से जी रहे हैं, कि ये व्यक्ति को ऐसा लगा कि इस आश्रम में चोरने लायक कोई चीज होगी, यानी हम लोग हमारे जीवन पर से ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे साथ पास बहुत चीजें हैं जो हमें जरूरी नहीं है। और उसमें हुआ ये था कि बा का एक बक्सा चोरी हुआ, तो बापू ने बा को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास वो बक्सा क्यों था जिसको वो चोर चोरी करके ले गया, हमने तो सादगी से जीने का व्रत लिया है, गरीबी में जीने का व्रत लिया है, तो तुम्हारे पास ऐसी चीजें क्या थी जो चोर को आकर्षित कर गई और वो चोरी कर गया। तो बा ने कहा कि भाई एक दो कपड़े थे ज्यादा जो थे वो, और मेरे पोते पोतियों के कपड़े और उनके खिलौने थे। तो बापू ने कहा कि ये तो संग्रह है, हमने तो असंग्रह का व्रत लिया, हम ऐसी चीजें संग्रह नहीं कर सकते, और वो तुम्हारे हक की नहीं थी, वो तुम्हारे अधिकार की नहीं थी, तो वो तुम्हारी लग्जरी की थी, इसलिए वो ले गए। वो ले गए, वो अब वापस नहीं आएगी और अब से तुमने वैसा रखना नहीं चाहिए। उसके बाद बा हमेशा
एक जोड़ी स्पेयर कपड़ा और जो हर रोज के जीवन की उनकी वस्तु थी। आप देखेंगे तो बा जब कभी भी दौरे पर जाती थी तो एक वो जो जिसे झोला कहते हैं उसमें उनका सारा सामान आ जाता है। तो ये दोनों के अंदर की जो मेल था वो था। दक्षिण अफ्रीका का इंसिडेंट आपने कहा इसलिए मैंने कहा कि ये साबरमती का इंसिडेंट की जानकारी होगी जरूर। अच्छा हमारे लिसनर है रविंद्र भटनागर परवेज खान, उन्होंने तो खैर नमस्कार ही कहा है बापू और बापू, उनके तो सवाल है नहीं, लेकिन प्रदीप सतनाम सिंह इन लोगों ने हरिलाल के बारे में जानने की इच्छा जताई थी, सो उस पर हमने तो बात कर ही ली। कुलदीप कादियान पूछ रहे हैं और एक आध लोगों ने और पूछा कि क्या कभी कस्तूरबा ने एक आम महिला की तरह अपने पति को इन सब आंदोलनों, इन सब टकराहटों, इन सब संघर्षों में जाने से रोकने की कोशिश की कि भाई मत जाओ बहुत है और देखेंगे? उन्होंने वो तो कभी नहीं किया क्योंकि वो तो दक्षिण अफ्रीका से ही आदत डाल दी थी कि आंदोलन होगा तो मेरा पति ही उसका उसकी अगुवाई करेगा, उसे रोका नहीं जा सकता है। ये जरूर वो करती रही क्योंकि बापू की एक आदत थी कि जब भी कोई चीज गलत होती थी या बिगड़ती थी या गलती की जाती थी पब्लिक लाइफ में तो हमेशा अपने आप को दोष देते थे और प्रायश्चित खुद करते थे। आप देखिए बापू के बारे में बहुत प्रचलित है कि हर वक्त उपवास करते रहते थे और हमने आखिरी के जो दो उपवास थे उसको देख के ये तय कर दिया है कि वो अपनी लड़ाई का शस्त्र उपवास को बना लेते थे पर वो नहीं था। उपवास उनका प्रायश्चित का कार्य था और अपनी गलती के लिए वो उपवास करते थे ताकि अपने आप को वो सजा दे सके। और जब भी चाहे वो चौरी चौरा की हिंसा के बाद जो असहकार आंदोलन को पीछे करना और उसके ही प्रायश्चित के रूप में उपवास करना या जब भी कोई गलत बात होती थी तो उसका उपवास करके वो उसका प्रायश्चित करते थे और बा हमेशा उनको इसके बारे में टोकती थी और आखिरी सालों में इसके लिए टोकती थी क्योंकि वो देख रही थी कि बापू की सेहत पर इसका कितना बुरा असर होगा। हाँ इनफैक्ट बाद के जो उपवास तो, जो उनके अनुपस्थिति में हुए वो तो गुजर गई थी। तो मैंने कुछ लोगों के उसमें विचार ये पढ़े कि काश बा होती तो किसी तरह शायद मना लेते। बिल्कुल पर बा हमेशा उनको टोकती कि हर चीज का दोष अपने सर पर क्यों लेते, गलती दूसरे करते हैं उनको सजा दो। पर बापू कहता था कि अगर कहते थे कि अगर मैं अगुवाई कर रहा हूं तो मेरे लोग अगर गलती करते हैं तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूं क्योंकि मैंने उनको तैयार नहीं किया और उसका प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था कि तुम हमेशा अपने आप को क्यों सजा देते। इसलिए सत्याग्रहियों की ट्रेनिंग पे बहुत जोर था। बिल्कुल बिल्कुल और बा को वो सब कबूल था पर जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर था वो कबूल नहीं था। डायरी में भी एक बार लिखा है उन्होंने जब यरवड़ा जेल से बापू रिहा होते हैं बा पहुंचती है उनको रिसीव करने तो कहती है कि इस बार बापू की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत कमजोरी आ गई है पर बोले उनको देख के मैं रोई नहीं, मैंने बहादुरी से उनका आवकार किया। तो वो चिंता खाए जा रही थी कि मेरा पति अपने आप को नुकसान कर देगा। अब दक्षिण अफ्रीका में था वैसा जवान अट्टा कट्टा नहीं है पर वो समझता ही नहीं है कि अब वो बूढ़ा होता चला। 1930 आते 60 के से ऊपर। एक सत्यजीत सत्यार्थी हैं हमारे सुनने वाले, उन्होंने ये पूछा है बताइएगा घटना ठीक है कि नहीं, कि श्रीलंका में बा को गांधी जी की माँ समझ लिया था कभी किसी ने? मैंने सुना नहीं है पर हो सकता है। हाँ। हो सकता है, मैंने सुना नहीं है। इससे मुझे रामकृष्ण परमहंस याद आ गए जो अपनी हाँ। पत्नी को भी माँ कहते थे क्योंकि बा बापू भी एक दूसरे को बा और बापू कहने लगे थे तो वो गलत फहमी होना बहुत स्वाभाविक। और भी हैं सवाल और जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने एक जगह बात की थी कि बा के पास बहुत मौके थे छोड़ने के गाने। मुझसे किसी ने कहा कि ये भी जरूर पूछेगा कि अक्सर ब्रह्मचर्य के प्रयोग की बहुत चर्चा होती है उनके, वो तो प्रयोगों में जीवन जीते थे और एक ये भी था। बा उसी आश्रम में रहती थी, प्रकार प्रकार के अफेयर्स के बारे में मालूम पड़ता था कि गांधी के उनसे अफेयर है, इनसे अफेयर है, मीरा बहन का भी नाम लिया, बहुत सारे लोगों का नाम आया और ब्रह्मचर्य के प्रयोग तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा वरना किसे क्या पता लगना था, उन्होंने खुद ही कहा बोला है। तो
वो उनके लिए कितने कष्टदायी रहे होंगे, क्या कोई वाकया कोई बात आप तक कभी या किसी तक पहुंची है कि जो उनकी राय इनके बारे में क्या रही? एक बहुत प्रचलित वाकया था, बापू का जो सरला बहन के लिए जो अट्रैक्शन था, वो पंजाब की सरला चौधरी और वो आकर्षण के कारण आश्रम में भी बहुत चर्चित हो गया था और सबको बहुत चिंता हो गई थी और लगने लगा था कि शायद बापू सब छोड़ के दीवाने हो जाएंगे उनके पीछे। और राजा जी ने आके, सीराज गोपाल आचार्य ने आके बा को कहा था कि अब तुम ही समझाओ बापू, और बा ने हंस के कहा था कि तुम लोग मेरे पति को पहचानते नहीं, ये जो है वो जो उसको मुझमें नहीं मिल रहा है वो दूसरों में ढूंढ रहा है। सरला देवी जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत एडवांस, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन थी, जो सारी चीजें बापू अपने पार्टनर में देखना था। वो सोफेस्टिकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब थी, और बा में वो कमी वो ढूंढते थे। लेकिन बा को ये एतबार, और ये एतबार दक्षिण अफ्रीका में जब ब्रह्मचर्य का व्रत बापू ने लिया और फाइनली जब वो पाला, तब से बा को ये एतबार हो गया था कि चाहे कितना भी वो आकर्षित किसी और के पास हो, लेकिन वो जाएंगे नहीं, वो रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, और मेरा जो स्थान है वो कभी छूटेगा नहीं। और इसलिए सरला देवी का जो प्रकरण, जिसको राजमोहन गांधी ने खुद ने अपनी किताब में जो लिखा है और जिसको आउटलुक मैगजीन ने अपने कवर स्टोरी बनाया था कि गांधी सीक्रेट अफेयर, लव अफेयर करके, वो उसमें जानकारी होते हुए भी बा ने कहा था कि आप बेफिक्र रहिए, ये जो आकर्षण है वो मैं जानती हूँ और वो रहने वाला नहीं, वो आखिर में वापस मेरे पास आई जाएगा। ब्रह्मचर्य के जो प्रयोग है बा के जाने के बाद वाले और जो कथित रूप में बा के हयाती में हुए, उसमें हमेशा ये एक याद रखना चाहिए कि वो एक टेस्ट करवाने का की रिक्वेस्ट बापू को वो सब्जेक्ट के पास है, वो सब्जेक्ट ने कहा था, क्योंकि आश्रम में रहना है तो ब्रह्मचारी होके रहना वो एक प्रतिज्ञा थी, और कई अफेयर्स आश्रम में होते थे, इन्फैचुएशंस होते थे, और स्वाभाविक है कि स्त्री पुरुष नजदीक रहते थे तो उनमें आकर्षण होता था, और कईयों ने आके प्रस्ताव रखा था कि हमको आजाद कर दो, इसमें से हमें रिश्ता कर दो। तो कई बार जो औरतें नहीं चाहती थी ये ऐसे रिश्तों में जाने, वो बापू के पास आती थी और कहती थी, और बापू कहते थे कि तुम जवान हो, तुमको भी अर्जेस होते होंगे, तो वो हमें, बापू को कहती, तुम हमें चाहे तो हमारा परीक्षा ले लो। तो वैसे ही मामलों में ये हुआ, और हमेशा जब भी हुआ तो खुलेआम हुआ, कभी भी शोषण के स्वरूप में ऐसे ही ये नहीं हुआ। हाँ, केवल ऐसे मामलों में ही हुआ। अच्छा। सिर्फ नोआखली में जब हुआ तब बापू ने अपने अपने अंदर की कमजोरियों को भापने के लिए मनु के साथ वो शुरुआत की उन प्रयोगों की, और उसमें भी उन्होंने उसको रोका इसलिए कि बाकी लोगों ने विरोध इसका नहीं किया कि वो प्रशिक्षण कर रहे हैं, पर इस बात का किया कि करना है तो बंद कमरे में करो, खुलेआम क्यों करते हो। और इसके बारे में देश भर में लिख के हरिजन में वो छापते थे उस प्रयोगों के बारे में, तो ये चर्चा क्यों करवानी है इसे कई लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये पब्लिकली नहीं कर सकता, सबकी नजरों के सामने नहीं कर सकता और सबको जानकारी दे के नहीं कर सकता तो वो गलत हो, तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। जो अक्सर नेहरू इंदिरा को भी कहते थे कि गलत सही का फैसला बस ऐसे कर लो मोटे तौर पर, जो सबके सामने नहीं कर सकते वो गलत है। गलत है, और यही बात बापू के पास से लोगों ने जो जानते थे उन्होंने सीखा, और इसलिए हमने वो ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को हमारी आज की समझ के मुताबिक नहीं, पर एक एलिवेटेड सोच की जो से जो था उसे समझना बहुत जरूरी। लेकिन कुछ लोगों ने इसे गांधी की मानसिक विक्षिप्तता से जोड़ा कि भाई वो अब विक्षिप्त हो चुके हैं। आज की परिभाषा में देखेंगे तो ये तो बहुत विक्षिप्त लगेगा ही, और स्वाभाविक गलत नहीं है उसमें कुछ। कुछ ने कहा कि मनु बहन की स्थिति के बारे में सोचिए मानसिक क्या रही होगी। फिर वो मनु बहन उसके बाद बहुत सालों तक डायरी भी लिखी उन्होंने, और देखिये अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन मैं इसके पर टिप्पणी सिर्फ मेरी समझ के मुताबिक दे सकता हूं। बिल्कुल इस बात की सच्चाई की बात सिर्फ मनु बहन
या बापू कर सकते हैं, जो दोनों नहीं रहे। इसे मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं इसलिए ये सच है या नहीं। हमें सबको हमारी ये मजबूरी कहो तो मजबूरी या लिमिटेशन कहो तो लिमिटेशन, कि हम हमारी नजर के मुताबिक उसको देखेंगे, हमारी अकल के मुताबिक उसको विवेचन करेंगे और हमारे फितरत के मुताबिक उसका संदर्भ निकालें। बिल्कुल। एक हमारे मित्र हैं, लेखक हैं, अरूप के चैटर्जी, और पढ़ाते भी हैं। उन्होंने भी ये पूछा है, एक तो ये पूछा कि भाई जो गांधी जैसी सोच रखते हैं, गांधी बिलीवर्स हैं, वो ऐसे मामलों में जो गांधी के फ्लॉज हैं जिनको गांधी ने भी माना, उसमें उसका जवाब क्या दें जब ये आरोप लगते हैं। और इनफैक्ट पटेल का भी मैंने एक बार कहीं जिक्र पढ़ा कि जब उनसे ये सब प्रश्न पूछे गए ब्रह्मचर्य के बारे में, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये थोड़ा सा एम्बेरस करने वाली सिचुएशन है जिसमें हम कोई कई बार जवाब नहीं दे पाते। तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे जो बेचारे पूछते हैं कि जी हमला होता है गांधी पर, बुरा लगता है और हमें मालूम है कुछ तो सही भी हो रहा होगा शायद, लेकिन हम बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, हमें पता ही नहीं, आइडिया नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लार्जर पिक्चर देखिए, ये छोटे छोटे वाक्यों से उलझ मत जाइए, क्योंकि वो एक साजिश है, उलझाए रखने की साजिश है कि भाई हम उसके पूरे किरदार को तो अटैक नहीं कर सकते, पर ये एक हमें उसके बख्तर में एक छेद सुराख मिला है, वहीं पे निशाना साध के गोलियां मारेंगे। मैंने कहा उसके क्यों आप 7 दशकों का जो जीवन है उसका कंपैरिजन करिए, उसकी बात करिए, जिस चीज के बारे में हम सक्षम नहीं है उसका पृथक्करण करने के लिए तो कोशिश भी क्यों की जाए। जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें, वो जरूरी है कि ऐसा पृथक्करण भी हो, ऐसी एनालिसिस भी, पर ये हमें याद रखना पड़ेगा कि उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो उस इंसान की समझ तक सीमित रहेगा, वो जरूरी नहीं है कि वो गांधी के सोच को बिल्कुल ठीक से समझ सके और उसको एनालाइज कर सके, जो मैं भी नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने कहा है वैसे ये बात कि आप तुषार जी से सवाल पूछ तो रहे हैं कस्तूरबा या महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन ना तो वो उनके जीवन काल में थे, ना उनके प्रयोगों के हिस्सा थे, ना उन्होंने वो उनके साक्षी थे, तो हमें ये संदेह है कि तुषार गांधी या कस्तूरबा की तस्वीर जो खींचेंगे उसमें किस हद तक शुद्धता होगी। मैं अपने आप को कभी ये नहीं कहता कि जो मैं कहता हूँ वो ब्रह्म वाक्य है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गांधी एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में पर्याप्त लिटरेचर अवेलेबल है, आपको उसमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है, गांधी की खोज में आपको किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि मेरी बातें सुनकर आप उस राह पर चलना शुरू कीजिए और फिर अपने आप उस व्यक्ति को खोजिए, क्योंकि बहुत पर्याप्त इंफॉर्मेशन गांधी ने खुद ने अपने बारे में लिखी हुई और गांधी के बारे में लिखी हुई उसके जो साथी थे उन्होंने जो लिखा है उसमें से आपको ज्यादा स्पष्ट चित्र मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूं कि मेरे लिमिटेशन, मैंने जो मेरे पिताजी और मेरे दादी के पास जो बातें सुनी और उसके बाद समझदार होने के बाद जो मैंने पढ़ा उसी पर से मैंने अनुमान किया है, चित्र बनाया। तो ये एलिगेशन मेरे पे लग सकता है कि शायद मैंने एक पिक्चर अपने आप को सूटेबल होगा वैसा बना के रख लिया है, वही मैं बताता हूँ। तो आप मुझे गांधी के बारे में प्रमाणित मत समझिए। और अंत में कस्तूरबा के बारे में आपने वैसे तो बहुत कुछ कहा और आंखों में आंसू भी है आपके, लेकिन अंत है और कस्तूरबा के बारे में हमने बात की, बात भले कितनी भी की फिर भी कम है, एक डायरी मिली, कुछ महीने मिले, कुछ एंट्री है बस कि ये किया वो किया, लेकिन मैंने एक जगह लिखा भी था कि ये बिंदु, ये वो बिंदु हैं जिन्हें आप आपस में जोड़कर एक तस्वीर बना सकते हैं, ये सुविधा है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें करना चाहिए, आगे और डायरियां मिलेंगी तो शायद और प्रकाश पड़े कई चीजों पर। क्या कस्तूरबा के बारे में जानने समझने के लिए कोई और साहित्य, कुछ और, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह आप रिकमेंड करना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट्री तो वैसी नहीं बनी है अभी, मैं चाहता हूँ कि उनके जीवनी पर गांधी की अर्धांगिनी नहीं पर कस्तूर के स्वरूप में कुछ चरित्र बने, क्योंकि आज तक कपाड़िया गांधी कस्तूर, इसीलिए मैंने एंड कस्तूर
कापड़िया गांधी करके ही लिखा है उसको। तो ये जरूरत है क्योंकि जो जीवनी लिखी गई है वो भी बापू की अर्धांगनी के स्वरूप में ही लिखा गया है, तो बापू ज्यादा छाए रहते हैं। मेरे माँ पिता जी ने भी जो जीवनी लिखी उसमें ज्यादातर बापू आ जाते हैं। तो जब मैंने ये टाइमलाइन लिखी तो मुझे बहुत ये करना पड़ा, जिद्दोजहद करनी पड़ी कि मैं बापू को बैकग्राउंड में कैसे ले जाऊं। जो रेफरेंस सोर्सेस हैं उसमें सब में बापू फिर कस्तूरबा वैसे ही आता। तो मैंने कोशिश की है, नाकामयाब नहीं हुआ हूं, पर कोशिश की है कि कस्तूर एज एन इंडिविजुअल की जो जीवनी है वो लिखी और बापू उसमें एक साइड, क्योंकि वो उनको नकार तो नहीं सकते पर एज एन इंडिविजुअल एक किरदार उसमें है, नायक है इस बुक में नहीं, एक किरदार के रूप में उनको रखे और कस्तूर को नायिका बना के उनकी जीवनी। तो ये एक एम्बिशन भी है कि वैसी कोई जीवनी अगर लिख पाऊं। अभी तक आई नहीं ना? नहीं आई है, मैं मेरी एक एम्बिशन है कि शायद लिखूं। मेरा आग्रह है कि ये किताब और प्रकाशकों से भी कि हिंदी में आए तो और बेहतर, हिंदी में पढ़ने वाले भी चाहते हैं कि वो महात्मा गांधी के अलावा कस्तूरबा के बारे में भी पढ़े, समझे, जाने, और ये खजाना सिर्फ उन तक महदूद ना रहे जो आंग्ल भाषा ही जानते हैं, हिंदी तक भी पहुंचे। मेरी में तो है, मैं बोली में हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोल लेता हूँ और लोग कहते हैं कि मेरी हिंदी में उर्दू का बहुत असर समिश्रण है, हाँ। पर लिखाई में मैं बहुत कमजोर, इसलिए मैं लिख नहीं पाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी भाषाएं भाषाओं में इसका अनुवाद हो सके होना चाहिए। अंत में कुछ कहना चाहें? नहीं, बस शुक्रिया अदा करूंगा प्रकाशक का, आपका, और जिन्होंने पढ़कर सराहना की है उसका, और मैं टीका का भी इंतजार करता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि ये किताब पढ़ी जाए, मेरी एक ये दरख्वास्त है आपके सुनने वालों से, पढ़िएगा जरूर। बिल्कुल, और तुषार गांधी को आप लोग सुन रहे हैं और बहुत वक्त दिया आपने, इतने विस्तार में आपने बात की, कस्तूरबा पर करनी थी लेकिन हमने तो गांधी पर भी की और बहुत सी बातों पर की, आपके बारे में भी हो गई। उम्मीद करेंगे कि आगे फिर जब बात हो तो स्पेसिफिकली आपके यात्रा एक गांधी के तौर पर और या महात्मा गांधी के बारे में भी जरूर बात करें। आज मोहनदास, मोहनदास के बारे में आज इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और इतना बोलने का मुझे वक्त दिया। जनरली लोग थक जाते हैं कि यार इसकी बोलना बंद ही नहीं होता है। और ये थे तुषार जिन्हें आपने सुना। हमने इस बातचीत को दो हिस्सों में तोड़ा है, दूसरा हिस्सा जो आप सुनेंगे उसमें तुषार दो बार भावुक हुए, सुनिएगा कि वो क्या याद करके अचानक रोने लगे, और साथ में तुषार के बारे में भी जानेंगे और कुछ मुश्किल सवालों के जवाब भी खोजने हैं जो गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों और उनके अफेयर्स की चर्चा के बारे में भी हैं। कस्तूरबा का क्या कहना था इस सब पर वो सुनेंगे तुषार से, लेकिन अभी वक्त आपके मैसेजेस पढ़ने का है। संजय कुमार शुक्ला ने लिखा है कि पढ़ाकू नितिन मैं पहले एपिसोड से सुन रहा हूं लेकिन लिखने में थोड़ा आलसी होने से लिख नहीं पाता था। आपके सारे एपिसोड बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक हैं। ताजमहल पर किया पॉडकास्ट बहुत ही रोचक रहा। अहोम सेनापति लचित बोरफुकन के बारे में भी सुना, ये इतिहास कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। आपका बहुत शुक्रिया जो इस तरह की गुमनाम योद्धाओं को सामने लाते हैं, आपके परिश्रम को सलाम। पढ़ाकू नितिन पॉडकास्ट एक मानसिक भूख हो गया है जिसका गुरुवार को बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच संजय जी, आखिर आपने आलस तोड़ा और हमें लिखा, ये कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम आपकी उम्मीदों पर ऐसे ही खरा उतरेगी और आपका लिखने का आलस बार बार टूटता रहेगा, आप फिर लिखेंगे इसका इंतजार है। शशि ने लिखा है कि पढ़ाकू नितिन के सारे एपिसोड्स बेजोड़ हैं, लेट जुड़ा हूँ इसलिए हर हफ्ते दो पॉडकास्ट सुनता हूँ, ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते रहिए। शुक्रिया शशि जी, स्पीड ऐसे ही बनाए रखिए, हम बनाते रहेंगे और आप सुनते जाइए। आप लोग ऐसे ही मैसेज करते रहिए। हमारा मेल आईडी है radio@aajtak.com और 9953323303 व्हाट्सएप नंबर है। पढ़ाकू पार्टी टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके संदेशों का इंतजार है, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं गुरुवार को। नितिन ठाकुर का बाय बाय।